तो कहां से रिवाइज मार रहे बोले आपका? उड़ाओ देखो, हालात देखिए। मेरा काम है सिखाना। मेरे मार्ग में जो 1% 100 लोग को सुनते होंगे, एक भी अगर मेरे मार्ग में चले जाएगा ना, आने वाले समय में उसकी जीवन ऐसा रहेगा कि लगेगा कहां जीवन जी रहा। इस महिला को खुद देखिएगा, ये दिख कैसे रही है, समझ रहे हो? लेकिन इसके पास जो गोद में बच्ची है उसके हालात देखिएगा। यानी मैं ना इन दोनों के मम्मी की बात कर रहा हूँ, यानी इसके नानी की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपकी क्षमता नहीं है जीने लायक, तो आपने 8-10 बच्चा क्यों पैदा किया? उसके बाद आपकी बेटी देखो इधर जो दिख कैसे रही है, अब उसका भी एक संतान आ गया, उसके बदन में कपड़ा नहीं, तो आप आबादी क्यों बढ़ा रहे हैं? सोचे, कल्पना करके देखेगा। शादी उसी दिन करिए जिस दिन आप में क्या हो क्षमता। कोई मतलब नहीं है जीवन का। आप अगर अभी स्टैंडर्ड जिंदगी नहीं जी पा रहे, मीडियम मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं मुकेश अंबानी पार करवा, इस बच्ची के शकल को देख लो कहीं से कि बच्ची कौन डेयरी मिल्क या आपका किंडर जो है अगर जीवन में खा पाएगी तो मुझे बता दीजिए। आप इस बच्ची को देख लीजिए, क्या ये अपने जीवन की बुनियादी चीजें इसको मिल पाएगी? अपने माँ बाप से मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगा। इसके बाल को देख लो आपकी, कितने दिन बाद नहीं है, क्या है, किस टाइप का कंडीशन है, और वो हमारे छत्तीसगढ़ के है ना, बाहर के नहीं। तो आप उतना ही आबादी पैदा करें जितनी आपके घर की और आपके पालने पोसने की क्या है क्षमता। आप आबादी बढ़ाते चले चले जाएंगे और बोलेंगे देश सरकार कुछ नहीं कर पा रहा है, तो गलत बात। आप अपने पास खाने पीने के लिए चावल डाल के लाले हैं और आप आबादी पे आबादी बढ़ाएंगे तो कहां से मैनेज होगा? सरकार की स्थिति ऐसी खराब, समझ आ रहा है जी? ये मेरा काम रहता है बताने का, और मैं बता ही नहीं रहा हूं, उसको मैं अपने जीवन में लागू भी किया हूं। 26 साल की उम्र में कोचिंग गया मैं, उसके पहले मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन इतना मैं समझदार था कि मैं 26 साल तक शादी नहीं किया था। 26 साल की उम्र में मैं बिलासपुर गया हूँ, तब दुनियादारी जाना हूँ, नहीं तो मेरा तो 20 साल में शादी हो जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पूरे खानदान में 20 साल में शादी हो जाता है। 6 साल तक मैं वेट कैसे करते रहा कि मैं दुनिया को हमने देखा। आपके पास खुद खाने के लिए चावल नहीं हरे भिखारी झूले का, तो दूसरे लड़की का लाइफ खराब करने का अधिकार आपको नहीं। हमारे पास रहेगा पैसा तो शादी करेंगे, नहीं करेंगे, इसलिए 30 साल लग गया। और जब हमारे पास लबाला पैसा आ गया था तभी शादी की, नहीं तो नहीं करते हम। अपने घर को बता हम एकला होता है, जबकि इसी टेंशन में मेरे माँ बाप लोग पतले दुबले हो गए, शादी करने के बाद दोनों दोनों मोटा आ गए, समझ आ रहा है? हाँ, मतलब आज छत्तीसगढ़ियाओं को इतना मतलब तकलीफ होता है बेटा बेटी की शादी नहीं होने पर, भगवान जाने, लेकिन इन हालातों को नहीं देख रहे हैं माँ बाप लोग। मेरा अगर औलाद अगर कभी जीवन में अगर यदि अपने बीवी को पालने लायक अच्छे अगर यदि नहीं होगा, तो उसको ये बोलूंगा भले आत्महत्या कर ले, लेकिन शादी मत कर, क्योंकि आपके बदौलत एक परिवार का जन्म होगा, और वो परिवार कैसे दर दर का ये ठोकर खा रही है देख लो आप। इनको राशन कार्ड जुड़ाने का भी इनके अंदर ज्ञान नहीं। राशन कार्ड में नाम कटवा दूंगा तो लोग दोबारा नहीं जुड़वा पाएंगे। तो पहले आप परिवार में एजुकेटेड बनो, लायक बनो, तब शादी ब्याह के बारे में सोचो। हो गया एक नंबर जनजाति समाप्त, चले घर। अरे ऐसी तो है ये सब चीजें ना, ये सब कहानी बता रहा है सर। कहाँ बैठा तुम लोग? तो दिहाड़ी को ले आए हो जी। जहां तक आ जाए मांझी उड़ाओ, ये उड़ाओ ना, आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे एकदम कम डाटा वाला है करके, ऐसा नहीं है भैया। क्या है जी बताइए, जल्दी बताइए। तो झारखंड की जनजाति है, उड़ाओ के बारे में बताया, सब ज्यादा धर्मांतर हुआ, राजमहल की पहाड़ियों में रहते वही वाला है। उसके बाद महिलाओं को हल छूने, मतलब बच्चियों को महिलाओं को हल नहीं छूने देते, लेकिन इनको बीज बोआते हैं, शुभ माना जाता है, ऐसा वाला है। इसके बाद क्या है आपका? तुम्हारा बिरहोर, ये बिरहोर में देख लो आपका तुम्हारा क्या है, उथलू ऐसा कुछ था, उथलू जनजाति इसको बोलते हैं। बिरहोर वाले को जंगल के निवासी बोला गया है इनको, ये लोग आपका साक्षरता में सबसे निम्न है, पिछड़ी जनजाति में ऐसा कुछ था। उसके बाद प्रोटोस्टेलाइट समूह के भारत में, और अपने आपको कोलारियन समूह का बोलते हैं। इसके द्वारा झोपड़ी को चोप बोलते हैं, और जो अरे झाड़ी को चोप बोलते हैं, झोपड़ी को कुटिया बोलते हैं। उसके बाद देखो क्या है, छठी को सातवें दिन मनाते हैं, और मंत्र तंत्र जानकर को पहान बोलते हैं। इसके बाद तुम्हारा क्या था सर आपका? तुम्हारा मांझी, ये गोड़ है, कंवर है, मुंडा की मिश्रित प्रजाति है, और ये लोग क्या करते थे आपका तुम्हारा? राम भगवान का नदी पार कराने वाला काम, ऐसा ऐसा मानते हैं कि पूर्वज हमारा ही मतलब राम को एक से किस स्थान से दूसरे स्थान लेके गए थे। इसके बाद क्या है आपका तुम्हारा? मुंडा, मुंडा में भी क्या लिखा हुआ है, झारखंड की है ये भी आपका तुम्हारा क्या है? जनजाति, राजा द्वारा मुख्य नियुक्त होता था, जिसको मुकदम या मुरा के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बाद तुम्हारा क्या था सर आपका?
आक्षण मवासी, मवासी में भी क्या है आपका, देख लो आप वही है कि झारखंड की जनजाति, और ये लोग ना भैंस का या गाय बछरू का जो भी है चमड़ा निकाला करते थे ताकि उससे वाद्य यंत्र बनाया जा सके, और मांस को तो मिल बांट के खा लेते हैं लोग गांव भर मिलके, तो वैसी टाइप का इनका नाम पड़ गया मवासी। इसके बाद क्या था सर आपका नगेशिया, तो नगेशिया में देख लो आपका तुम्हारा नांग सांप के कारण इनका नाम पड़ गया क्या आपका नगेशिया। और क्या लिखा है, यह सिर्फ रायगढ़ जिला में पाया जाता है और देवता में, वही प्याज वाला है सिंदूर लगाने वाला, हाँ देवता में लोग प्याज को चढ़ाते हैं। ऐसा एक एक लाइन मतलब एग्जाम का वो बन सकता है प्रश्न, क्योंकि हर चीज क्या है नया है, सभी लोग तो प्याज को देवता में नहीं चढ़ा रहे, वो कौन चढ़ा रहे हैं आपका नगेशिया। इसके जस्ट बाद क्या, अरे और बड़ा हुआ क्या जी, ऐसा कुछ हुआ भी है ना, ये थोड़ा बड़ा हुआ सर, ये कुछ तो चेंज हुआ है, बढ़िया अच्छा लगा हूँ, और नहीं हो रहा है डबल। हाँ इसके बाद क्या, झारा, झारा जनजाति मैंने बताया रायगढ़ में है, और इस झारा जनजाति के लोग ना लौह शिल्प कला काम करते हैं, भ्रष्ट मोम पद्धति के काम करते हैं। इसमें एक प्रसिद्ध मूर्तिकार निकला, उसका नाम था गोविंद राम झारा, राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित है ये लोग ना, शिल्प रत्न है लोग, शिल्प रत्न बोलते हैं लोगों, 8-10 लोग है, रजवार जी, सोनाबाई रजवार टाइप का जी, तो वैसे टाइप का इसके बहु बेटा लोग भी यही काम करते हैं पूरा, तो इनको भी राष्ट्रपति पुरस्कार से क्या किया गया है सम्मानित। इसको तो चित्रकला में इनका फोटो दिखाएंगे हम लोग, या धड़वा का शेर भलार वगैरह भी यही काम करते हैं लौह शिल्प का। उसके बाद क्या है, मंझवार है, दरअसल मांझी से ही मंझवार बना, इसको मांझिया भी बोलते हैं, और गोंड़ है, कंवर है, मुंडा का ही मिश्रित प्रजाति है, लेकिन ये पाया जाता है रायगढ़ में मंझवार, और मांझी कहाँ पाया जाता है जस। इसके बाद क्या है, कंध या कौन, ये उड़ीसा की जनजाति है, मूल निवासी वहां का है, वहां होता है खोड़ और कोंड, उसका ये मिश्रित जाति, यहाँ पे आ गए छत्तीसगढ़ में तो लोग कंध कहलाए, और इन्हीं लोग उड़ीसा में खोड़ या कोंड के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसमें लिखा है, शिशु को तीर कमान का क्या किया जाता है, स्पर्श, बच परंपरा रहता है हर में, जैसे हमारे में 6 दिन में छठी कराते हैं, तो फिर घर वर साफ करो, उजली करो, तो फुजली करो, ऐसा बहुत सारा रहता है। चले आगे, इसके बाद क्या है आपका तुम्हारा सांवरा, सांवरा में क्या है आपका तुम्हारा, ये सांप पकड़ने वाली जनजाति है, सिर्फ महासमुंद में आपका आबादी ज्यादा है, लेकिन ये लोग पूरे छत्तीसगढ़ में फैल गए हैं, क्योंकि हर जगह सांप पकड़ने वाला चाहिए, तो ये जो छत्तीसगढ़ में जो सांवरा है वो अपने पूर्वज सबरी माता को मानते हैं, और महासमुंद वाले सुगरी को मानते हैं, ऐसा टाइप का आपको ये नॉलेज होना चाहिए। इनके पंडित को गारिया बोलते हैं, इसके पंडित को क्या बोलते हैं, गारिया। इसके बाद तुम्हारा क्या था, सहारिया, ये जो सहारिया है ना मध्य प्रदेश की जनजाति है, लेकिन महासमुंद में आके बस गए, वन संपदा पे डिपेंड थे, तो महुआ से क्या है डबल फायदा होता है, एक महुआ उठा के लाओ सुखाओ और बाजार में डायरेक्ट बेचो, और उसी महुआ को अगर यदि शराब बना दिए तो डबल आय होता है। महुआ मतलब बयान नहीं कर सकता, एक ऐसा वृक्ष है जिसका पत्ता तक औषधि है, समझ आ रहा है, और पेड़ शाखा का आपके घर का सब सब फर्नीचर बना लो, फल जो आ रहा है वो तो इतना फायदेमंद है कि वो पीने वाला कोई पता है को कितना इम्पोर्टेंट है, महुआ है कि नहीं। और आपको बताएं, हमारे तरफ एक दो पेड़ था, हमने उठाया उसको, इतनी सुंदर रहता है ये फूल महुआ का, ऐसे हाथ में रखे रहोगे ना छोड़ने की इच्छा नहीं होता, इतना प्यारा आपका तुम्हारा येलो कलर में दिखता है। तो महुआ से लोग ना दारू बनाया करते थे, उसमें ये ब्रांडेड जो शराब होता है इसके अंदर, उसको फुल्ली बोलते हैं, ऐसा हम सुने हैं, और वही चीज आपका सहारिया जनजाति, अब सभी जनजाति ये चीज का इस्तेमाल करती है उच्च शिक्षा के लिए। अरे गड़बड़ हो क्या, उस किस्म का है जी, मैं बोला कहाँ से उच्च शिक्षा आ गई। इसके बाद क्या है आपका कमार, कमार पढ़ना है क्या, हो गया है। ये जो ना विश्व प्रसिद्ध शिल्पकार है, इनका जन्म स्थान देवभोग और मैनपुर है ना, वहीं पे एक गांव है देव डोंगर करके, वहीं से ये लोग बता रहे हैं कमारी उत्पत्ति उसी जगह में हुआ। तो ये कमार जनजाति विश्व प्रसिद्ध शिल्पकार है, जबरदस्त बांस के लोग वो बनाते हैं शिल्प। इसको पूरा विश्व तक पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने दिल्ली में कॉम्प्लेक्स दिया, और उत्तर प्रदेश गुजरात सरकार ने अहमदाबाद। इनमें दो जो होता है ना उप जाति होता है, एक का नाम मकाड़िया और एक का नाम बुधरसिया, जिसमें मकाड़िया जो है बंदर की मांस खाती है और बुधरसिया जो है बंदर की मांस नहीं खाते। इसके बाद हो गया, इतना ही था। इसके बाद तुम्हारा वंशज बताया क्या, इसका कौरवों के वंशज है, कमार और कमर ये ध्यान रखेंगे है ना। इसके बाद क्या है आपका तुम्हारा हलवा है, तो हल भाग साहब देख लो आपका तुम्हारा, ये हल चलाने के कारण नाम क्या पड़ा है आपका तुम्हारा, हलवा नाम पड़ा है। ये सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से क्या है, समृद्ध जनजाति। और मैंने क्या बताया था आपका तुम्हारा, वो 2011 जनगणना के अनुसार 76% के साथ सबसे ज्यादा क्या है आपका, शिक्षित जनजाति है। और ये लोग अपने उत्पत्ति को रुक्मणी हरण से बताए हैं, मतलब कृष्ण भगवान की पत्नी से ही हरण के दौरान इनकी क्या हुई है आपका उत्पत्ति हुआ है। शादी पक्का कराना को क्या बोलते हैं आपका, महला बोलते हैं। उसके बाद दूल्हे की मृत्यु हो जाने पर जो विधवा बच जाती है उसका विवाह महुआ और चार पेड़ से किया जाता है, ऐसा इसको पढ़ना है सर। इसके बाद देखिएगा, इसी पे कमेंट किया है, इसको आखिरी में मैं आपको बताता हूँ, वो कमेंट वाले साहब को आज जरूरी है उसको बताना क्या है। मैं एक गधा टीचर हूँ, वो गधा टीचर को प्रूफ करना है कैसे है, चले आगे। तो ये क्या है आपका तुम्हारा भद्रा जनजाति, इसको रिवाइज करना है पढ़ना है, यही पे आया हो क्या पक्का।
ये जो है ना सर आपका भृत्य शब्द से क्या बना है, आपका भतरा बना हुआ। इसकी भी बहुत सारा कहानी, इसको हम लोग आपका गरियाबंद में भी पढ़ते हैं, पूरे बस्तर में क्या पाया जाता है आपका भतरा, एक जगह नहीं, गरियाबंद तो मेन है, आबादी में क्या है आपका गरियाबंद, कमार है, भतरा है, शिकार है, वो सब वहां का है, लेकिन पूरे बस्तर में क्या पाया जाता है आपका भतरा। ये भतरा का जन्म कैसे हुआ, एक्चुअली में राजमहल में इन लोग को भतरी बोलते हैं, राजमहल में क्या बोलते हैं आपका भतरी, आप इसका इतिहास सुनते चलिए धीरे धीरे, राजमहल आराम से, राजमहल में इनको क्या बोलते हैं, भतरी बोलते हैं, और हम लोग सरकारी नौकरी में इसको भृत्य बोलते हैं, रियल में इस समाज का नाम भतरा है, ठीक है जी, समाज का नाम भतरा है, सरकारी नौकरी में इसको भृत्य बोलते हैं, आम बोलचाल में हम लोग सेवक बोलते हैं, राजमहल में इसको भतरी बोलते हैं। आया, राजा लोग इनको भतरी पुकारते थे, समाज का नाम भतरा है, एग्जाम जब दिलाओगे तो भृत्य कहलाओगे, आम बोलचाल में सेवक बोलते हैं, और गांव देहात में चरवाहा बोलते हैं, मतलब इसका कई नाम है, एक नाम पे आप डिपेंड नहीं रह सकते। इनकी इतिहास अन्नम देव से शुरू होता है, इनकी इतिहास कहां से शुरू होता है, अन्नम देव, अन्नम देव जो था वो बार बार आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये 1324 में बस्तर में काकती वंश की शुरुआत किया, 1324, आज 2021, आई एम राइट, 2024, 21वीं सदी, दरअसल 2021 इसलिए आया क्योंकि मैं सदी पे बात करने वाला था, 21वीं सदी चल रहा है, क्लियर है आपका, और आपका 13वीं सदी 1324 और आज चल रहा है 21वीं, अब देख लो कहां पे पहुंच गया है वो आपका। 1324 में जो आदमी राजपाट शुरू किया था बस्तर में, उसका वंशज जिंदा है, कमलचंद भंजदेव, इसलिए अन्नम देव बार बार आता है, और अन्नम देव राजा नहीं था, राजा का भाई था, मलिक काफूर नाम था, सुने होंगे आप, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में, हजार दिनारी, क्लियर है आपका, यही लोग ला के फोटो दिखाए थे अलाउद्दीन खिलजी को, ये देख ऐश्वर्या राय है राजस्थान में, चित्तौड़ में, चित्तौड़ में देख ऐश्वर्या राय है, अरे दादा रे टापो टाप, मतलब राजा में कमी ना पर नहीं रहता, आस पास वाले मन अपन चापलूसीगिरी दिखाते, दे के तोल ले के दे टूरी है, तब राजा लोग का नियत खराब होता था, समझ आ रहा है सर, ये चापलूस में से ये भी शामिल था, कौन आपका हिजड़ा दास, बोले तो मलिक काफूर। तो ये मलिक काफूर जब युद्ध किया ना, तो प्रताप रुद्रदेव, रुद्र प्रताप देव नहीं, प्रताप रुद्रदेव वारंगल का क्या था, राजा था, तो इस दौरान मलिक काफूर के डर से उन्होंने सोने का, मैं साठ कटाता हूँ, सोने का जंजीर और कोहिनूर हीरा, जो आज लंदन में महारानी विक्टोरिया बाई मेरी फ्रेंड 16 साल की एलिजाबेथ क्या है उसी के साथ पढ़ा लिखा हूं मैं, बहुत याद आती है वो, बहुत याद आती है, मर गई ना, चले आगे। तो महारानी एलिजाबेथ के मुकुट में तीन टुकड़ा किए हैं, कर मुर्दा रहेंगे लंदन वाले, हमारे हीरा को तीन टुकड़ा किए हैं, एक माथे पे लगा है, एक टोपी पे लगा है, और आधा टुकड़ा म्यूजियम में रखा है। हमारे कोहिनूर हीरा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, गोलकुंडा एरे कोंटा के नीचे, गोलकुंडा मतलब आंध्र प्रदेश हैदराबाद, इस खान में मिला है दुनिया का कोहिनूर हीरा, हमारा हीरा, वो हीरा को हाँ सोने की जंजीर और हाथ में क्या रखा, कोहिनूर हीरा, ऐसा रख के प्रताप रुद्रदेव आत्मसमर्पण किया, किसके सामने, मलिक काफूर के सामने, वो हीरा अलाउद्दीन खिलजी, ऐसे साझा होते हुए बहुत लंबा चौड़ा कहानी भारत इतिहास बताऊंगा, ओके। इस दौरान जब मलिक काफूर आ रहा था ना, उसकी दहशत इतनी खत्म था, है वो छक्का था वो, लेकिन युद्ध करने की जो हिजड़ा रास मतलब वही समझ गए, इतना खतरनाक था कि राजा लोग ऐसी फफड़ा के मर जाते थे उसके नाम से, आत्महत्या कर लिए कई राजाओं ने, ये भी करने वाला था, लेकिन भगवान ने एंड टाइम में अकल दे दिया, तब छोटा भाई का नाम था अन्नम देव, उन्होंने कहा भाग प्रताप रुद्रदेव भाग, नहीं भागूंगा भाई, बोले सुख के दौरान प्रजा के साथ था, दुख में आज छोड़ के जाऊंगा मैं, यही युद्ध के रणभूमि में मरूंगा प्रजा के साथ, ऐसा बोल के प्रताप रुद्रदेव रुक जाता है, अन्नम देव 1309 में भाग जाता है। जब वो भागता है तो अकेले भागता है, समझ आ रहा है सर, और जब वो अकेले आएगा तो राजा का वंश है, उसमें राजपाट की गुण है, आने के बाद उन्होंने एक समाज को उठाया है कि आप मेरे यहाँ नौकर का काम करो, मेरे यहाँ सेना का काम करो, वही वही नौकर वही सेना को आज हम लोग भतरा के नाम से जानते हैं। तो ये भतरा जनजाति जो है, ये रियल में भतरा नहीं है, ये आदिवासी है, कहाँ का, वारंगल का, जिसको कौन लेके आया है छत्तीसगढ़, अन्नम देव, कहीं लिखा भी हो सकता है, ये देखो ये लिखा है अन्नम देव राजा द्वारा आंध्र प्रदेश से बस्तर लाया गया है। तो ये आप तेलंगाना में आता है, आप टूटते चले गए, सीमांत रहोगे, नाम बदल दिया, मैं क्या करूं, इतिहास में तो आंध्र प्रदेश ही बोलूंगा ना, तो आप वहां से आ गए, अब आने के बाद यहाँ राजपाट में लोग भतरी के नाम से काम करते थे, अब इतने सारे सेनक ले आए, अब वो चमेली देवी को हरा दिया अन्नम देव, राजपाट में बैठ गया, छिंदक नाग समाप्त हो गई, आपका मनरोटा से आपका काकती वंश की शुरुआत कर दिया अन्नम देव, अब युद्ध करने की क्या जरूरत है,
मैं तो यहाँ का राजा हूँ, तो मेरा सेना वर्क क्या करेगा? मैं जिस सेना को लाया हूँ उसको तो रोजी रोटी चाहिए ना, तो मेरे राजमहल में जितने को 10-20, 100-150 को नौकर देना था दे दिया, उनको मैं भतरी बोल रहा हूँ, बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो उन्होंने क्या किया, अमीर घर, गौटिया लोग के घर, बड़े आदमी घर में क्या कर लिए, नौकरी कर लिए जाके। उसको बोलते हैं सेवक, उसको बोलते हैं चरवाहा, और आज सरकार उसको भृत्य के नाम से पुकारता है। तो भृत्य शब्द कहाँ से आया है? भतरी से। भतरी का मतलब होता है भृत्य। आ गया समझ में सर? इन चरवाहों के बारे में मैं बोलना चाहूंगा सर, दिल खुश हो जाती है। आज हम लोग कर्मचारी रखते हैं, मालिक भी कर्मचारी साथ ठन जाता है और कर्मचारी का भी मालिक के साथ। यहाँ मैं अगर यदि कर्मचारी लगा दूं, मैं अंदर आता हूँ तो मेरा कर्मचारी वो गार्ड पार्किंग में काम करने के बजाय वो फोन लेके वहां ऊपर चढ़ जाता है, जैसे मैं निकलूंगा वो नीचे उतरेगा, ऐसा काम कर चुके हैं लोग। लेकिन इसको देखिए गौर से, साफ एकदम प्योर छत्तीसगढ़िया चरवाहा है। चरवाहा मतलब समझते हैं आप? चरवाहा मतलब गाय बछड़ू चराने वाला नहीं, जो गांव में गौटिया घर में नौकर लगते हैं उसको बोलते हैं चरवाहा। चरवाहा गांव में जो होता है वो बर्दिया होता है। अंतर को थोड़ा समझिएगा, गाय बछड़ू चराने वाले छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? बर्दिया। हम क्या बोल रहे हैं? चरवाहा। तो ये चरवाहा लोग को ना गौटिया लोग जब लगाते हैं घर में तो एक मीटिंग होती है साल में एक बार, फिर बोलता है मोला 3 चरवाहा लगाना है जी, फलाना 10 खंडी ढूंढ तो साल भर के वो बुक हो गया। वो बकायदा गांव भर में मीटिंग होता है, कौन कौन चरवाहा लगू मोर घर में, से गौटिया करवाते कैसे कर रहे हो जी। हाँ, ये सब पढ़ाता मैं, इसे सब बताने का कारण मालूम है, लाखा बाटा पढ़ाता था मैं, और एग्जाम में आ गया अचानक लाखा बाटा क्या होता है, छत्तीसगढ़ का आधा लोग को नहीं हवा लगा, स्टूडेंट लोग को, हमारे दादा लोग को पता है, हमारे बुजुर्ग लोग तो लाखा बाटा में ही बंटवारा करवाते, आ रहा है समझ में? ये भी आपको पता होना चाहिए कैसे काम करता है। तो मीटिंग होती है, मीटिंग होने के बाद ये जो भतरा जनजाति के लोग हैं या जो भी अन्य गांव में चरवाहा काम करेगा उसके लिए 10 खंडी 12 खंडी जो भी हो तय कर दिया, फिर वो नौकर लग जाता है। वो नौकर का भी ईमानदारी देखेगा, उस नौकर को बताने की जरूरत नहीं, कहते क्या करना है, 4 बजे उठेगा पूरा गोबर फेंकेगा, दिन भर काम करेगा। मालकिन लोग बोलेंगे बेटा खाना खाए, फलाना नाम रखता है, उसका नाम बोले खाना खाए बेटा, हाँ खाऊ ना दाइए थोड़ा देर, ऐसा 1% साल भर उस नौकर को बोलने की जरूरत नहीं। इतने ईमानदारी से भतरा जनजाति काम करता है, और इतना काम करते हैं कि एक घर में 4-4, 5-5 लोग चरवाहा लगते हैं, और चरवाहा लगने के बाद समाज इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई, सामाजिक दृष्टि में सबसे समृद्ध जनजाति है कौन आपका? भतरा। क्योंकि घर भर के लोग काम में जाते हैं, हमारे यहाँ एक जने का टीचर हो गया तो घर भर के लोग कोई नहीं कमाए, उसका डौकी के पावर अलग रही, तुम देख लेना वहां तो 35,000 पेमेंट है ना, और 35,000 रुपया में उसकी बाई का जो पावर है, आड़ी काड़ी नहीं करे वह सास लत ऐसे पावर बताई कि वो ओकरे औलाद लोग भी पैदा करे वो तो। हाँ, टीचर के जो पत्नी है वो ऐसा पावर बताएगी अपने सास को जैसे ओकर बेटल ही पैदा करे, ओकर दाई हाथ जानबे नहीं करे अपन बेटल बिछा रही, नहीं केयर कीजिए आप इस बात को। इन लोगों में वो चीज नहीं होता, इतना मेहनत करते हैं घर भर चरवाहा, आज सामाजिक दृष्टि से बताते हैं भाई तीसरा चौथा पीढ़ी से बंटवारा नहीं हुआ है घर में, संयुक्त परिवार चलते, इंडिविजुअल हमारे में आ गई, इनमें क्या चलता है आपका? संयुक्त परिवार, कई सालों से बंटवारा नहीं हुआ, सब मेहनत कर रहे हैं और 2 पैसा कमा रहे हैं और सामाजिक दृष्टि से क्या हो गई? समृद्ध। आगे समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत ऐसा बस कैसे करते हैं जी। हाँ, आगे देखिए और कुछ लिखा है क्या, मंत्र तंत्र के जानकार को क्या बोलते हैं? सीधा। अब नहीं समझ आएगा ना, जनजाति में सबका पहान वाहन दुनिया भर का मैंने बताया, गायता ये सब चीज अगर नहीं आया तो आंख बंद करके मारिएगा, सभी जनजाति में मंत्र तंत्र के जानकार को क्या बोलते हैं? सीधा। ऐसा तो एक को रटने की जरूरत नहीं, हो गया, अब इससे ज्यादा और नहीं इसमें। तो ये चरवाहा लोग है रियल में, हर गांव का चरवाहा कौन होता है? भतरा। अब हमारे तरफ भतरा नहीं है तो हमारे में से किसी गरीब आदमी लग जाता है वो अलग, लेकिन शुरुआत इन्हीं लोगों ने किया था। इसके बाद तुम्हारा क्या था सर आपका? तुम्हारा धुरवा और परजा, ये तो पूरा ही अंडरलाइन हो गया है कि नहीं, क्लियर है आपका क्या हो गया? पूरा पूरा मोटा हो गया अक्षर, इसको सुधारेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। फिर भी ना आपको इसको हम अंडरलाइन कर दे। धार्मिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है धुरवा और परजा। दरअसल धुरवा और परजा को PSC व्यापम अलग अलग बताता है, लेकिन है दोनों एक, वही धुरवा है और वही क्या है? परजा है, लेकिन हमने कोशिश किया दोनों को अलग करने का, लेकिन फिलहाल अभी एक साथ पढ़िएगा। इस जनजाति को धुरवा भी बोलते हैं, देखो आ रहे नहीं, यही धुरवा यही जाए। धार्मिक कार्य इनका अनुष्ठान होता है जबरदस्त, आगे हम लोग पढ़ाएंगे। गांव के मुखिया जो गांव के जो शुद्धिकरण करने वाला था उसको महानायक या जानी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महानायक या जानी। 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 क्या बोलते हैं? महानायक या जानी बोलते हैं। यानी गाँव में जो शुद्धिकरण करता है ना, गाँव का शुद्धिकरण मतलब हमारे गाँव में बैगा लोग करते हैं। हमारे तरफ बैगा लोग क्या करते हैं? त्योहार के दिन गांव के पूरा मंदिर वगैरह में नारियल चढ़ाते हैं, आपका मंत्र तंत्र पढ़ते हैं, लास्ट में माता देवालय में जाके बताते हैं हे भगवान ऐसे ऐसे करते थे, इसे सजा सुना जाता है, समझ आ रहा है जी। तो वैसी टाइप का ये क्या है, गांव का क्या करता है? शुद्धिकरण करना, यानी जब जब त्योहार होता है तो हमारे गांव को शुद्धिकरण करता है कौन आपका? बैगा। वैसी टाइप का इनके यहाँ जो होता है गांव को शुद्धिकरण वाले उसको बोलते हैं महानायक या ज्ञानी। कौन ज्ञानी बोला?
जानी बोस, जानी ज्ञानी नहीं, क्या बोला? जानी महानायक और जानी, क्या बोला? महानायक और जानी, क्या बोला? महानायक जानी। तो धुरवा प्रजा जनजाति में गांव के शुद्धिकरण वाले को क्या बोलते हैं? महानायक और जानी। क्या बोलते हैं? महानायक और जानी। खलनायक नहीं, महानायक और जानी। क्या बोला? महानायक और जानी। क्लियर है आपका? उसके बाद इसमें एक वर्ड लिखा है, मंत्र तंत्र के जानकार को क्या बोलते हैं आपका? सिरहा। इसको हाँ गुरसेन या सिहारी बोलते हैं। दिहारी जी क्या बोलते हैं आपका? तुम्हारा पुराने नोट समय छूट गया है। गुरसेन, दिसारी या गुरसेन, क्या बोला आपका? दिसारी या गुरसेन। क्या बोलते हैं? दिसारी या गुरसेन। एक्चुअली में ये जो मिस प्रिंट नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ये मोटा हो गया, मतलब इसमें एक लाइन छुपा हुआ है। मंत्र तंत्र के जानकार को दिसारी या गुरसेन या सिरहा कहते हैं। क्या बोलते हैं आपका? दिसारी गुरसेन या सिरहा। दिसारी गुरसेन या सिरहा। दिसारी गुरसेन या सिरहा। क्या बोला? दिसारी गुरसेन या सिरहा। क्या बोला आपका? दिसारी गुरसेन या सिरहा। तो इस जगह में मैं ऐड कर दूंगा या तुम लोग लिख लेना, मंत्र तंत्र के जानकार को सिरहा बोलते हैं, और इसी गांव में मंत्र तंत्र के जानकार को हम लोग दिसारी या गुरसेन के नाम से जानते हैं। क्या बोला? दिसारी या गुरसेन। क्या बोला? दिसारी या गुरसेन। क्या बोला? दिसारी या गुरसेन। इसको हम थोड़ा नीचे करेंगे ना तो लाइन आ जाएगी। दरअसल वो हमसे अब बताया ना, नया ना पहली बार नोट से बना, थोड़ा सा आगे पीछे है। मैं कहाँ पे था जल्दी बताइए आपका? दिसारी या गुरसेन। तो मंत्र तंत्र के जानकार को हम लोग बोलते हैं दिसारी गुरसेन सिरहा, और गांव का जो शुद्धिकरण करने वाला उसको महानायक, और क्या बोलते हैं? जानी। ये धुरवा प्रजा इंपॉर्टेंट है। महिलाएं पूरे छत्तीसगढ़ में 42 प्रजाति में सबसे बेस्ट व्यसन क्या है बोलेगा? गुड़ाकू। इन लोगों में ना टिकान में क्या टिका जाता है आपका? गुड़ाकू। टिकान में जब टिकान होगा तो वहां गुड़ाकू टिकते, डब्बा डब्बा करते इनके महिलाएं। ऐसे सभी छत्तीसगढ़ के मन मंजन करते। गांव में नहीं देखे हो आप? ऐसे डरे रही, गोठियात रही, वो नदिया तक यही मंजन करते हुए, आपका नदी तक तुम्हारा वो हैंडपंप तक, मानते हो कि नहीं? इसी क्वालिटी के कारण तो हम लोग पूरा इंडिया विश्व में प्रसिद्ध। क्लियर है आपका? तुम्हारा तो मैं अब आप धुरवा पर्चा ज्यादा इसमें निरगरी करने की जरूरत नहीं। इसमें दो ही चीज ज्यादा काम के, महानायक और जानी, और इधर क्या बोला मैं? सिरहा, और एक नाम दिसारी, और क्या है? गुरसेन। तो एक नाम दिसारी और गुरसेन, मंत्र तंत्र के क्या है? जानकार। ऐसे दो दो लाइन पढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे? चलेंगे आगे। इसके बाद ये देख लो, इनका टोपी जबरदस्त, छत्ता की जोर नहीं है, ले गिरे रोघा पानी कभी गिरवे, समझ आ रहा है? खुमरी ही गजब है कि नहीं? खुमरी अलग अलग वैरायटी का होता है। देख लो इनका, मतलब देखो इनको कहीं से नहीं लगता कि आईआईटी पास है, लेकिन जो काम है वो आईआईटी से कम नहीं। देखो ना, ऐसा छतरी बना के बताओ आप, इसमें एक बूंद पानी नहीं टपकता, और इसे टोपी लगाओ बड़ा वाला लगे रहेगा, और इसमें धान नहीं लेंगे, सारा काम कर लेंगे। हमारा सारे छत्ता धरिए चाहिए, रेनकोट चाहिए, छनक छिंदी खो गए, फफड़ाक गिर गए, ऐसे चल चले। अरे हाँ, मैं कहाँ बैठा हूँ? हाँ, इसके बाद क्या? धड़वा शिल्पकला। तो चलिए देखिए, ये था सर तुम्हारा धड़वा शिल्पकला। देखो ये लोग बना रहे हैं पत्थर वाला मूर्ति, देखो ये डिजाइन बना रहे हैं ना मूर्ति, ऐसा मूर्ति बनाते हैं लोग। तो देख लो, यहाँ शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है धड़वा शिल्पकला, इन्हीं द्वारा बनाई जाती है, भ्रष्ट मोम पद्धति है। तो ये धड़वा जनजाति कहाँ पाया जाता है बोलेगा? बस्तर में धड़वाई जनजाति है, और इनका धड़वा शिल्पकला अति प्रसिद्ध है। भ्रष्ट मोम पद्धति एक ही तरीका होता है, मूर्ति बन के निकलेगा उसमें गला के डालेंगे, फिर वो मैं शिल्पकला में पढ़ाऊंगा, क्योंकि 14 शिल्पकला अलग है, सब्जेक्ट अलग है उसका। इसके बाद क्या है सर आपका? तुम्हारा क्या है आपका? दंडामी माड़िया। ये दंडामी माड़िया में आपको थोड़ा सा लग सकता है। हाँ देखो, दंडामी माड़िया, ओए श्यान दाई हाय, चल है आगे, क्या लेके जा रही है? देख रहे हो आप, गैती सब्बल ऐसा कुछ पकड़ी है कि नहीं? आओ फोटो भी निकाले का, हाथ दे हाथों, ये तो उटपुटान फोटो को खा रहे हैं जी ये लोग, देखना ये फोटो हम लोग कहाँ खाते हैं? ये तो ऐसा मोटा मोटा रहता है वो वाला, ये सब खा जाते हैं ऐसे लगते हैं, इनमें मतलब सब डाइजेशन होते रहे बाप। चले आगे। तो मैं कहाँ पे हूँ आपका? दंडामी माड़िया। यह जनजाति जंगल में निवास करती, कहाँ निवास करती है आपका? जंगल। सबको पता है सारे जनजाति जंगल में ही रहता है, लेकिन दंडामी माड़िया विशेषकर जंगल की निवासी माना जाता है, क्योंकि इनका जो झोपड़ी होता है ना 5 समूह में होता है। कितना में होता है? 5 समूह। इसको तुम लोग अफ्रीका महाद्वीप में भी देख सकते हैं। तो मकान है अलग से इनका, तो वहां मैं तुमको पढ़ाऊंगा हगी आगा आ पानी बेड़ुकुरमा, ये सब मैं उधर पढ़ाऊंगा। बस इतना पता होना चाहिए कौन सा जनजाति है, वो सिहारी बोलते हैं उसको भी हम बताएंगे, कौन सा जनजाति है जिनका घर 5 झोपड़ी होता है, और 5ों मिलके एक घर कहलाता है। हमारे घर में ज्यादा में ज्यादा 1 घर, अब 1 शौचालय है तो 2 घर हुआ। इन लोग का कितना घर होता है? 5। यहाँ पे गोल वाला झोपड़ी, फिर वहां, फिर यहाँ, और बीच में क्या रहता है? आंगन। और बीच में ना वहीं पे आग वाग जलाते हैं ठंड के दिन, वहीं पैर लंबा करके बैठे रहते हैं, मुसवा को बुंज बुंज के खाते हैं। तो जंगल में 5 झोपड़ी में कौन सा जनजाति रहता है? तो वो कौन सा है आपका? तुम्हारा दंडामी माड़िया। और शिकार, ये शिकार को आखेट, मतलब कई बार क्या है हम समझा नहीं पाते, भूल जाते ना इतना बोलना है, क्या चीज याद रहेगा? तो शिकार का मतलब क्या होता है? आखेट। आखेट का मतलब क्या होता है? शिकार। कई लोग ना आखेट पे निर्भर रहता है, तो ये आखेट क्या होता है? एक्चुअली इतिहास का वर्ड है, ये ऐतिहासिक वर्ड है, यानी इतिहास में शिकार को क्या बोला जाता है? आखेट। वैसी टाइप का पत्थर को पसान बोलते हैं। तो ये सब लोग इतिहास का लोग उत्पुराण टाइप नाम दे दिए दुनिया भर का, तो रटने में दिक्कत होता है। नए लोग बैठे हैं, ध्यान रखना शिकार को क्या बोलते हैं? आखेट। ये लोग कोई वर्क नहीं करते सर, जंगल में रहते हैं, जंगल के बरहा तेड़वा रेड़वा जो भी है मारना है, खाना है, ऐश करना है, वही चलता है।
इसके बाद अपने आप को भीमादेव, क्या बोलते हैं आपका भीमादेव, अब वो गांव का नाम है पालनार, क्या बोलते हैं आपका पालनार, यानी सुकमा में एक गांव है जिसका नाम है पालनार, क्या नाम है आपका पालनार, और वहां पे भीमादेव है, और उसी पालनार को अपनी उत्पत्ति मानते हैं, और जिस भगवान को उत्पत्ति बताए हैं वो है भीमादेव। इसलिए बस्तर में अधिकांश लोगों का नाम भीमा रहता है, जैसे हमारा एक विधायक था भीमा मंडावी, बीजेपी वाला जो बम से उड़ गया, स्कॉर्पियो का कई टुकड़ा हुआ था, याद होगा वो विधायक था, वो भीमा मंडावी, याद आ रहा है, विधानसभा उपाध्यक्ष भी था, फिर उसके बाद मनोज मंडावी साथ बना, ऐसा कुछ हुआ था, क्लियर रहते हैं, ध्यान रखेंगे आप, तो भीमा ना आदमी का नाम नहीं है, भीमा क्या है, देवता का नाम है, जो कि कहाँ है, पालनार, क्या नाम बताया, देखो ये देवी स्थान का नाम है पालनार, और उस देवी स्थान में कौन देवता रहता है, तो भीमादेव, और वही भीमादेव को अपने आप को, देखो अपने आप को भीमादेव का क्या मानते हैं, वंशज, तो कौन सा जनजाति है जो भीमादेव, कौन सा जनजाति है जो आपका भीमादेव को वंशज मानती है या उत्पत्ति मानता है, तो जनजाति का नाम क्या है आपका, डंडा मेमाड़ी, ऐसा आपको दो दो लाइन बताना है, और वो जैसे देवडोंगर, देवडोंगर में कौन है आपका, कमार जनजाति, याद आ रहा है, तो वैसे ही टाइप पे ना हर जनजाति का एक स्थान हो जाता है कई बार, तो इसमें क्या रटेंगे आप ना, पालनार, तो पालनार से किसका उत्पत्ति बोला गया है, भीमादेव से किसका बोलेगा, दंडामी माड़िया, बाघ का अधिक सम्मान करते हैं, किसका सम्मान करते हैं, बाघ, एक्चुअली में बाघ का सम्मान करने के पीछे राज ये है कि ये शिकार शब्द जुड़ा है, यहाँ क्या जुड़ा है, शिकार, अब ये लोग शिकार करने जाएंगे तो क्या करेंगे, आपका हिरण का शिकार करेंगे, आपका जंगली बरहा का शिकार करेंगे, तुम्हारा छोटे छोटे खरगोश है, लोमड़ी है, इन सब चीजों का शिकार करते हैं, इनका शिकार कौन करता है, बाघ, अंदर को समझिएगा, ये दंडामी माड़िया का पावर बाघ को मारने का नहीं है, तेंदुआ को मारने का नहीं, छोटे छोटे जीव जंतु को मारते हैं लोग, तो जिससे इनको खतरा है उनसे ये मोहम्मद गजनवी है लोग, समझ आ रहा है, जिनको मार सकते हैं उनको खत्म करते हैं, और जिनसे डर है उनसे शांति समझौता किया है, तो किससे शांति समझौता कर रहे हैं लोग, बाघ से, तो ये लोग बाघ का अधिक सम्मान करते हैं, बाघ का सम्मान करते हैं मतलब ये लोग देवता रखे हैं, और उस बाघ के पास पूजा करते हैं, हम शिकार में जाए हमारे सामने में बाघ हाँव करके मत करे, क्योंकि हम किसको मानने आए, हिरण को, हिरण दोनों का शिकार होता है, बाघ भी हिरण का करता है, ये लोग भी मानने गए हैं, तो जिससे खतरा है उसको ये लोग भगवान बना लिए, उसका नाम क्या है, बाघ। अब तुम ही बताइए, आपकी जंगल में रह रहे हो, बाघ कैसे कंट्रोल होगा, लेकिन अंदर से आप पता करके देख लीजिएगा, जनजातियों को, जीव जंतु को भी कंट्रोल करने का क्या है क्षमता है इन लोग, इसका आप देखो, तुम तेंदुआ शेर को तो कंट्रोल करते हैं, इसको तुमको नहीं मालूम है, लेकिन सांप और बिच्छू का जहर को मंत्र से उतारा जाता है, ये तो आपको पता है, सांप को कंट्रोल करते हैं मंत्र से, आपको भी जान के हैरानी होगा, बिच्छू क्या है आपका, जहर है, लेकिन उसको फूकने से उसका जहर उतर जाता है, इसमें से आधे लोग को तो पता है, तो फिर इससे समझ जाओ आपके जीव जंतु को भी मंत्र तंत्र से क्या किया जाता है, कंट्रोल, तो ये लोग ना बाघ का सम्मान करना मतलब समझ रहे हैं आप, बाघ को मंत्र तंत्र से क्या करते हैं, कंट्रोल, तो वही डर रहा, आज हमने ये हिरण के शिकार कर एक बार जाबो तो हाड़ा घोड़ल तोला देबो, आ रहा है ये, कैसे शान पड़ते जा रहे हो जी तुम लोग, है भाई, मान लो विवाह का, विवाह में जो वर होता है विवाह का, जो दूल्हा होता है वो दूल्ही पक्ष वालों के लिए व्यवस्था करता है, हर बार जब भी शादी होगा तो 4-5 बाटल दारू का लेके जाता है, ऐसा लिखा है भाई, देख लीजिए मैं इधर देख के, देखो 4-5 बोतल शराब लेकर जाता है, तो कौन सा जनजाति है जिसमें विवाह में दूल्हा के द्वारा 4-5 बोतल या 4-5 पेटी, ये 4-5 बोतल तो उस जमाने का है जी, पुराना इतिहास है, 4-5 क्या बोलेंगे आप, पेटी कौन लेके जाता है, बोलेगा दंडामी माड़िया, मतलब अपना रिश्तेदार के लिए जुगाड़ करना ही है, साथ में सारे दुल्हन के परिवार पर भी दारू जुगाड़ करना है, यानी बराती जाना है तो एटम बम लेके नहीं जाना है ना, आतिशबाजी सामान लेके नहीं जाना है, 4-5 पेटी दारू लेके जाना है, ताकि यो मन पीक घोंडे रहा है, क्योंकि मुक्त का पीना अलग ही टाइप का आनंद रहता है, समझ आ रहा है सर, तो ऐसे भी मतलब भैया इतिहास में हमें अपन डाले नहीं डाले हो, नहीं तो सारा दारू वारू ज्यादा बोलते, लिख दे कैसे मत बोलना, एकमात्र जनजाति जो विवाह में वर के द्वारा कन्या पक्ष से मांग किया जाता है, हमारे 4 पेटी कहाँ है बता, हाँ बाजल आते इंपॉर्टेंट नहीं है, पेटी कहाँ तेला दे, तब कस के दारू पी तब बेटी विदा करी, ऐसे वाला कहानी है सर, यह है दंडामी माड़िया। इनके जो दल होते हैं, इनके जो दल होते हैं ना, तर, तामूर, दादल और अकोमामा बोलते हैं, इनके जो दल होता है वो क्या है, तर है, तामूर है, दादल है, अकोमामा, दल होता है, दंडामी माड़िया में एक दल होता है, वो दल का अलग अलग नाम है, एक तर होता है, एक तामूर होता है, एक दादल होता है और अकोमामा होता है, दल का नाम है। अब तुम बोलोगे सर ये दल क्या होता है, समूह क्या होता है, तो सर मैं तो गया नहीं हूं दंडामी माड़िया तरफ, लेकिन मैं एक गेस करता हूं कि दल क्या होता है, दल का मतलब होता है सर शिकार करने वाली दल, तुम इस जंगल में ये दल जाएगा, इस जंगल में इस तरफ जाएगा, क्योंकि सर अगर ये महिला मंडल समूह का अगर यदि दल होता तो इनके गाँव में सीसी रोड पहुंच गया होता, इनके गाँव में पानी टंकी होता, आज जंगल के पानी पे, नदी के पानी पे निर्भर नहीं होते, मतलब अरे तुम्हारे गांव में महिला मंडल समूह है कि नहीं,
आप बैंक में जाकर देखना, अगर 11 महिला मंडल समूह है आपके गांव में तो 11 का नाम अलग अलग है, उस नाम से अकाउंट खुला हुआ है। किसी में माँ दंतेश्वरी महिला मंडल समूह, किसी महामाया, कहीं दुर्गा बाई, कहीं सरस्वती महिला मंडल समूह, मानते हैं कि नहीं? तो वैसी टाइप का ये जो दल है वो शिकार वाला दल है, और वो दल ने अपना अपना नाम रखा है, एक का नाम तर, एक का नाम तामूर, एक का नाम दादल, एक का नाम अको मामा। तो आज इतना तो पता चला कि कोई जनजाति में दल का नाम अको मामा है, समझ आ रहे नहीं? तो आप कहीं पे भी मामा घर में जाइए तो अको मामा, चल तो निकलते हैं तर तामूर और दादल के साथ चले आगे। तो ऐसा दल का नाम है, तो एग्जाम में आ जाएगा तो फंस जाओगे बाबू लोग, तो तर है, तामूर है, दादल है, अको मामा, कौन सा जनजाति का दल का नाम है, बोलेगा दंडामी मारिया। और कुछ बताने की जरूरत है? देखो तर एवं ऐसा आगे पीछे लिखा है, ये संगठन ही है, ये तर है, तामू तमूर है, ये दादल है, और ये क्या है, अको मामा। तो अको मामा भी तो देवी देवता का ये ग्रुप का नाम है, तो ध्यान रखेंगे एक का नाम तर, एक का नाम तामूर, एक का नाम क्या है दादल, अब एक का नाम अको मामा। ये किस जाति का दल है, संगठन है, बोलेगा तो दंडामी माड़िया। ऐसा टाइप का आपको पाल नार में भी मा देखो पढ़ना है सर। आ गया, अब आगे बढ़ू नेक्स्ट। हाँ आप क्या है जी सर आपका? ओहो ये कोया वाला ना, देखो इतना प्रश्न में आ रहा है, छोटा सा जनजाति है सर, आपको क्या बताऊ मैं, दंतेश्वर वो दुधारी नदी के आसपास। चढ़ो ना जी, भारी सिस्टम है इसमें, और ऊपर चढ़ाऊं। देखो ये जो कोया है ना, इसका पांच नाम है, कितना नाम है, पांच, पांच, एक कोया। और वही प्रश्न में आ रहा है, नान चुने सरहम हुआ। गोदावरी नदी है ना, वो बीजापुर से भी गया है और सुकमा से भी गया है। सुकमा जी गोदावरी नदी टच है ना, एकमात्र बंदरगाह सुकमा का कोंटा, वो गोदावरी नदी वाला है, सभी नदी किनारे, याद आ रहा है? तो गोदावरी नदी किनारे आसपास बस गए, तो कुछ लोग बीजापुर में चले गए। अरे वीच गले नदियां जही तो सबो जन नानगांव जिला में थोड़ी शिवनाथ नदी किनारे जी, दुर्ग वाले मन भी तो है, नदियां एक और सबो उकरे पानी पियत हन, हम नानगांव से शिवनाथ नदी है, वो लोग दुर्ग वाले लोग शिवनाथ नदी, नदी तो एक ही है। तो गोदावरी नदी किनारे तो हम लोग शिवनाथ नदी किनारे नानगांव में बस गए, वो लोग दुर्ग में बस गए, तो दुर्ग जिला कहला गया, नानगांव जिला, नदी एक है, वैसी गोदावरी नदी एक है। लेकिन कुछ जनजाति इसी से छिड़क के इनका उप जाति बीजापुर में रह गई, और कुछ कहाँ चले गया, सुकमा, पांचों को लपेटते हैं एक साथ, ठीक है आपका? यही दोरला है, यही कोया है, यही कोयतूर है, यही कोलाम है, यही कोयर है, पांच। ये देखो ये लोलाम नहीं है भाई, ईमान कोलाम है ये। चले आगे, दिखता नहीं है, दिखता नहीं है, तुम लोग देखोगे तब दिखेगा वो हमको, वो कोलाम ही दिखता है, इतना डाटा भरे है ना, हमको कोलाम ही दिखता है वो, अभी पता चली लोलाम। चले आगे, और नहीं समझ आता, और दिख भी रहे कोलाम टाइप, लाव का एक जैसा नहीं हो जाता, नजर में नहीं पड़ता। तो अभी चेक हो रहा है, टेंशन मत लीजिएगा, अभी पूरा अपडेट डाटा नहीं बना है, कुछ कुछ जो टूटी है वो सब सुधारा है इसलिए। चले बीजापुर में इसे क्या बोलते हैं आपका, कोलाम या कोयर, क्या बोला जाता है बीजापुर में, कोलाम या कोयर, जबकि बीजापुर में कोया भी है, सब भी मिक्स हो गए। सरकार यहाँ तो हमर मन के सर्वे नहीं कर पाते, के जन बीएड डीएड है है? तो काम गवर्नमेंट के सर्वे करी, पांचों पढ़ो एक साथ, दोरला, कोया, कोयतूर, कोलाम और कोया, ये तो पांच हो गया, छह नाम है कोरा। हाँ पांचवा छठवा देख लीजिए आप, ये देखो दोरा कोया, क्या है आपका, दोरा कोया, यानी ये देखो अपने आप को दोरा कोया कहते हैं, और काका बोलते टहुल बोल डालो साले, आज हिसाब किताब कर डालो, एक ठंडा सरहा जनजाति पागल करके रखे। तो दोरला को दोरा बोल रहे, ले बता अब कोई दिन बोरला को बोरा बोलेंगे लोग, ऐसा परेशान कर दिया। और यही इसकी उपजाति है, ऐसा पूछ रहे हैं, दोरला की उपजाति बताइए, बोले तो अब छह नाम हो गए नान चुन का, एक ठन में ठिकाना नहीं है, अभी फूक देबो उड़ा जी गोदावरी नदी, है कि नहीं भाई, समझिएगा बात। तो यही दोरला है, यही कोया है, यही कोयतूर है, ये अपने आप को कोयतूर भी बोलते हैं, अपने आप को कोयतूर ही बोलते हैं, कोयतूर क्यों बोलते हैं, क्योंकि गोड़ ही कोयतूर है, और गोड़ से ही अलग प्रजाति बना है, कौन आपका दोरला। तो अपने आप को जितना 42 प्रजाति में जो 41 है ना, वो आज भी अपने आप को कोयतूर बोलते हैं, लेकिन मेन कोयतूर कौन है, गोड़ है। अरे 1931 में बीएस गुहा ने नाम बताया तुम गोंड हो, नहीं तो उसके पहले क्या था, वो कोयतूर था, सरकार अपने लिस्ट में गोंड लिखा है। अब बस बताने वाला हूँ, वो थोड़ा कमेंट पे चर्चा करने वाला हूँ मैं, ओके। मैं कहाँ पे था, जल्दी बताइए, छह नाम हो गया, देखो वही दोरला, वही कोया, वही कोयतूर, वही कोलाम, वही कोया और वही दोरा, अब यही है बस और कुछ नहीं है। तो दोरला का उप जाति लाइन से बता देंगे, एक दोरला है, कोया है, कोयतूर है, 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 क्या बोला, दोरला है, कोया है, कोयतूर है, दोरला है, कोया है, कोयतूर है, तीन हो गया। अब तीन नाम बीजापुर तरफ भी जा रहा है, एक का नाम कोलाम है, एक का नाम कोयर है, अब एक का नाम क्या है, दोरा है।
ऐसा नाम पुकारते हैं, इसका मतलब होता है गांव का क्या होता है, मुखिया। यानी इतने उप जाति है उसमें से गांव का मुखिया किसको बोला गया है, बोलेगा दोरा और कोया। क्या है दोरा और कोया, यानी मुखिया का काम कर रहा है उसको दोरा कोया बोल देते हैं, रियल में वो दोरला जनजाति का आदमी हो गया। इस प्रकार आपका सुकमा जिला बाती बातों में 22 जिला समाप्त कर दिया हम लोग। बीजापुर से चले थे अबुझमाड़िया, याद करो, और आज हम लोग सुकमा में क्या आ गए, आपका दंडामी माड़िया और दोरला। सुकमा में दो जनजाति बताया था, दोरला इसके याद आ रहा है, अब एक दंडामी माड़िया हो गया। अब हम लोग कहाँ घुसेंगे, भू अवरुद्ध जिला। भू अवरुद्ध जिला मतलब 11, अब ज्यादा हमारे पास बचा हुआ नहीं। ये समझ आई? अरे इतना मजा आता है पेपर दे। अभी देखो 5 प्रश्न आया, पांचों पांचों छापे हैं आप। जिस दिन 50 में से शेट नेट, बोलो शेट नेट क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर, अरे टाइम पे याद नहीं आता, असिस्टेंट प्रोफेसर में 50 नंबर का छत्तीसगढ़ होता है। मेरे बच्चे लोग 50 में 45 मारे हैं इसी छत्तीसगढ़ को पढ़ के। अब भयंकर सारा हर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर इधर कैसे करते हो जी, जाओ पता करो दिग्विजय कॉलेज में 8-10 जने असिस्टेंट प्रोफेसर पूछना कौन सा कोचिंग से आया हुआ, पता करो जाके, सब 50 में 45 पढ़ता है। बस इतना भाई, एकदम जिम्मेदारी से पढ़िए आप, उसको रटिएगा, क्लियर है आपका, छूटता नहीं है। कैसे करते हो जी, हो गया? मैं किस चीज पे बोल रहा था जी आपका, हाँ ऐसा तो कुछ तो बोल रहा था मैं, राजपूत कौन सा कमेंट, ऑनलाइन कमेंट वाले, उसको बाद में हो गया, मैं डिस्टर्ब हो गया सर, मैं कुछ बोलने वाला था दूसरा, क्या था मेरा नेट सेट वाला चल गया था। अरे सब हाँ असिस्टेंट प्रोफेसर, और थोड़ा उटपुटानी याद आ गया, मैं नहीं जाना चाहता, वो मैडम के बारे में बोल दूंगा गड़बड़ हो जाएगा, समझ आ रहा है। वो क्या है सर, दूसरे कोचिंग में भर्ती करवा दिया ना सर मेरा स्टूडेंट को, बोले बेस्ट कोचिंग कौन है, बोले दूसरा बता दे, वो खुद 2 साल पढ़ाते, वही असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, समझ आ रहा है। अब बोलो दूसरे कोचिंग गए तो उनको पता चला मेरे बारे में, आ गए 4-5 लड़के यहाँ, हाँ देखे ना मैडम पढ़ाते, हाँ तो टेट बेस्ट कोचिंग दूसरा बताते हैं कैसे है। फिर वो मैडम गई, फिर वो लोग चारों लड़कियां मेरे पास आ, जब बके बोला अरे दादा रे टूरी मन के झगड़ा कर चे रे दादा, देखे कुटिया है अपना, पहले 2-2 साल पढ़ा, मैं बोला कितने साल से पढ़ा, 2 साल से पढ़ाते, बोला मैं मेरा 2 साल का स्टूडेंट है, बोला मैं सर हम लोग को दूसरा कोचिंग भेज दिया सर, और देखिए अपना 2 साल से पढ़ाते कुटिया आराम चलकर बके उटी बना अगदा। तो ऐसे तो ये लोग सर मतलब भगवान जाने का होते, अमन पढ़न थी दूसरा मत जाए कर हम ही मन लगाना, लगी गए अपने मन असिस्टेंट प्रोफेसर है उनका लड़का मन यहाँ बैठे कही जा चले आगे, ए बस हो गया। हमें कहाँ पे था सरगुजा, कौन सा जनजाति है, कौन पांडू बोला, अरे पांडुवंश उधर है शिरपुर में, अभी टाइम है दम धरो, अभी इतिहास में पढ़ाऊंगा सोमवास पांडुवंश जी, अभी वो प्रश्न में आया था, महासिगुप्त बाल अर्जुन रन केसरी, परम परमेश्वर हूं मैं, भगवान हूं। चले आगे, ऐसा वैसे दक्षिण भारत में था ताबड़तोड़, ये सब मजा आता है पढ़ने में, एक नहीं छूटेगा नेक्स्ट। हाँ पांडो, ये पांडवों के वंशज नाम से कुछ करने की जरूरत नहीं, 2 ही ग्रंथ है जो सबके वंशज बन के बैठा है, एक महाभारत और एक रामायण, होकर पहली ये मन कहीं जाना तरीन हो ही कि नहीं, भगवान जाने, एक जना कंवरला पर वंशज मानते, एक जना पांडव पांडव मानते, कोई सुग्रील कहते, कोई सबरीमाल कहते, कोई रावणला कहते, कोई मेघना, और कोई तो बोल दो भाई कि हम अशोक सम्राट के वंशज है, एक जन तो बोल दो भाई, यानी इस बात का प्रमाण है रामायण और महाभारत घर घर में पैट कर गया है। अब इनको दाई दादा का था पता नहीं है, मुला लगते राम भगवान ही हो ही। बस नेक्स्ट, इसके बाद पांडवों के वंशज बताने की जरूरत नहीं। इसको छत्तीसगढ़ में 42 प्रजाति में सबसे रूढ़ीवादी जनजाति माना जाता है, क्या आपका रूढ़ीवादी, ये देखो लिखा हुआ है रूढ़ीवादी जनजाति माना जाता है, क्यों रूढ़ीवादी, तुम लोग एक वर्ड सुने होंगे आज के युवाओं में राजपूतों में, अगर उसको काट के नहीं फेंका तो मैं राजपूत की औलाद नहीं, ये वर्ड आता है। दरअसल उस युवा को गाली मत बकना, उनके ब्लड में है वो चीज, राजपूत क्षत्रियों के ब्लड में। आज के युवा जो लोग आते हैं ना एकदम मूछ, बहुत प्यारे लगते हैं मेरे को राजपूत लोग का जो शरीर का मेकअप ये वाला, ऐसा मूछ और यहाँ पे ऐठे रहेंगे एकदम, और ये टीका लगा रहेंगे, देख हम लोग मास्टर होकर टीका नहीं लगाते कभी जीवन में, हम अपने पोशाक छोड़ दिए, वो लोग मूछ लगा रहेंगे, ताव रहेगा मूछ में, झुकेगा नहीं ऐसे ऊपर तरफ रहेगा, यहाँ बाती वाला स्टाइल, यहाँ लंबा टीका और आंख में तेज आभा मंडल एकदम फाय रहेगा। ये चीज अपन महाकाल जाते हैं उज्जैन तरफ तब उधर देखते हैं हम, राजस्थान के लोग थार से उतरते हैं और पूरे थार में 147 लगाए हैं, फुल रुदबा सर फुल रुदबा, आपको रियल राजपूत देखना है ना क्या होता है मूछ में ताव और बोली वचन का तरीका और बैठने का ऐसा कबाली स्टाइल, हम तो साले सरहर सर ये
कोई कर जावे भीख मांगे डर बिठन हम, समझ आ रहा है? सही बता रहा हूं मैं उधर उनका ना तौर तरीका ही देखेंगे दिल खुश हो जाएगा, मतलब राजपाट आ गया सामने ऐसा लगता है। तो वो लोग राजपूत और क्षत्रिय के वंशज है, वो गुण है उनमें, समझ आ रहा है सर? तो जो आज जनजातियों में जो पांडवों के वंशज हो गए, तो वैसे ही टाइप का क्षत्रिय राजपूत वाला इनमें गुण आ गया। बात बात पे तलवार निकाल देता है पंडो, अगर मैं काटा नहीं तो पंडो की औलाद ने। इस कारण छत्तीसगढ़ में इनको रूढ़ीवादी, झगड़ा लड़ाई बार बार आ जाने के कारण इसको क्या बोलते हैं, रूढ़ीवादी जनजाति बोला जाता है। धन राशि के अभाव में बरोखी विवाह किया जाता है। क्या किया जाता है आपका? बरोखी। वैसे मैं विवाह में भी बताऊंगा, लेकिन बरोखी विवाह का थोड़ा सा जरूरी है जानना कि कौन सा जनजाति है। तो ये सिर्फ एक जनजाति नहीं, जिस जिस जनजाति में धन राशि नहीं है, पैसा नहीं होता, शादी करने का खर्चा उठाने की दोनों में क्षमता नहीं होता, तो उसको बरोखी विवाह बोलते हैं। बरोनी हो गया था सर, क्या बोला? बरोखी विवाह। क्या बोला आपका? बरोखी विवाह बोलते हैं। अब इसको समझने की चीज है, आगे आप बता सकते हैं। जिसमें पैसा नहीं लगता उस विवाह को क्या बोलते हैं? बरोखी विवाह। ये समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा आप, ये चीज अभी अभी मैंने देखा 8-10 साल में, कि जैसे हम अपन भोपाल तरफ जब जाते हैं तो वहां शादी कई जो शिक्षित लोग कैसे कर रहे हैं, लड़की पक्ष में बात करते हैं, कैसे भाई तुम्हारे कितने मेहमान है? अरे अपना मेहमान तो है नहीं यार, हम लोग तो मूल निवासी वहां के, नौकरी चक्कर में मेहमान लोग आते नहीं, हम लोग दारू पीते नहीं ज्यादा, दरवाहा लोग का ज्यादा ग्रुप होता है। 8-10 हमारे हैं, 200-300 हमारे मेहमान होंगे, 200-300 तुम्हारे, ठीक है? शादी में आएंगे साले, खाना खाएंगे, तुम्हारा पनीर ठीक नहीं था, तुम्हारा चाउमीन प्रॉब्लम है, गेंगड़वा टाइप दिक्कत है, दुनिया भर का टिप्पी टिप्पणी करेंगे। इससे अच्छा काम करते हैं, तुम भी अपने परिवार के हिसाब से काम करो, तुम भी, तुम 3 लाख दो, मैं 3 लाख देता हूँ, 6 लाख लड़का लड़की के नाम में अकाउंट में पैसा हम डाल देते हैं और मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं, और मंदिर में जितना मेहमान आता है मंदिर के ट्रस्ट द्वारा बोल देते हैं कुकुर मल्ला खवा दे, हाँ खत्म। अभी ये एक नंबर पैटर्न चल रहा है। आज के युवा दोनों लड़का लड़की पक्ष बैठते हैं, फालतू बोझवाए से अच्छा दारू पी के मेन नेंग के बगैर तेरी मेरी धमतरी कराए से अच्छा उस पैसे को बचत करो और ट्रस्ट में मंदिर में जाके ट्रस्ट को जो भोजन खिलाया जाता है ना आम लोग को पतरी में, वैसे बोझवा दो और भगा दो। ये अभी का मैंने देखा, ये बहुत एक नंबर है। आप कितना भी शादी कर लो, शादी के बाद एक तो और लकवा पड़ते हो, अलग बात है, काबर जिंदगी में देखे नहीं रहा है लोगों ने, वो दिखा दे बेटे हो टेंशन, मोर मेहनत के पैसा, मैं मेहनत करे, मैं अपन भाई साथ शादी कर, तकलीफ बोला हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, इतनी तकलीफ होती है, हम करके देखें इसलिए बता रहे, इससे बेटर है दोनों समझौता कर लो। तो ये जो जनजाति ना पंडो, जब पैसा का अभाव है नहीं रहता, तो ये लोग मंदिर में शादी करते हैं, ऊंचे अंगूठी पहनाते हैं, ऊंचे सिंदूर भरते हैं, अभी कले ढकेल देते जा बेटी की, कुछ करने की जरूरत नहीं। इसको क्या बोलते हैं आपका? बरोखी विवाह। क्या बोलते हैं आपका? बरोखी विवाह। तो ध्यान रखना, जब भी धनराशि में सिर्फ पंडो ही नहीं, जितना भी जनजाति होता है उसमें ये विवाह होता है, अलग अलग नाम से पुकार देते हैं वो अलग बात है, लेकिन धन राशि के विवाह विवाह मतलब अभाव हो गया तो वो जनजाति विवाह करेगा। लेकिन हम लोगों में इतना ज्यादा विवाह का भेजा में घुसा पड़ा है ना, जिसे घर में खाने के चावल नहीं है वह उधारी कर करके अपन बेटा बेटी के विवाह करेगा। का कहते अरे मैं पाप करे तेल पुण्यम बदले कहा थे, मैं तीन छह के झन पाप करे है साले, 142 करोड़ दूसरा ढाले आगे सबका वही कहानी। तो यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं चलता, गरीब है तो चल गया मंदिर में कर ले, कोई कह देवे ना तुम गरीब हो मंदिर में ब्याह कर ले, तो मोलती कमजोर समझे यार, ये हाथ तनिया जही, ए गलत बोल रहा, सही है सर, रियल में हमारे पास नहीं है औकात, तो 2 बत्ती फटाकर मत फोड़िएगा, बोल ही दीजिए दीपावली नहीं मनाएंगे, 10 साल बड़ा ऐसा फटाका फोड़ा गाँव पर देखेगा। नेक्स्ट बरोखी विवाह। खड़िया, अरे मैं कहा मोला खड़िया का थे का, मैं डर गया था एकदम, भड़क तो नहीं गए बच्चे लोग ऐसे करके, आगे चलिए। मैं बोला खड़िया बोलते हैं, मैं बोला कैसे खड़िया आ गया, चले पढ़ना है कि नहीं? हाँ मैं कहाँ बेटा, खड़िया जनजाति, पालकी समझते हैं पालकी, हाँ वो खड़िया जनजाति पाया जाता है। किधर आपका? तुम्हारा सरगुजा, पंडो खड़िया, याद आ रहा है? 8 जनजाति बताया हूँ पिछले जन्म में, हाँ सब याद है, कुछ करने की जरूरत नहीं। पालकी जो होता है ना रियल में, पालकी शब्द को इधर के लोग नहीं सुने हैं, पालकी शब्द हम लोग सुनते हैं केदारनाथ में, पालकी शब्द सुनते हैं अमरनाथ, जब जम्मू कश्मीर उत्तराखंड तरफ जाओगे देवी देवता में, बुजुर्ग लोग पहाड़ी नहीं चढ़ पाते, तो उस दौरान इनका कसम खा रहते हैं 4 धाम की यात्रा करवा देवे बेटा मरेस पहली, तब वो सरवन पैदा हो जा रहे थे, तो इस दौरान अपने माँ बाप को केदार घाटी लेके जाते हैं, तो उस दौरान जब केदारनाथ के जब दर्शन होता है तो उस जगह में पालकी शब्द सुने होंगे आप। तो पालकी में क्या होता है, 4 लोग रहते हैं, बीच में एक चेयर रहता है, उसमें बुजुर्गों को बैठाते हैं और 4 लोग पकड़ के चढ़ाते हैं उसको, हालांकि उसका मेहनता लेते हैं वो लोग 12,000-13,000-15,000 मुझे आई डोंट नो, अलग अलग रेट रहता है, तो वो उसको पालकी बोलते हैं रियल में। तो पालकी में जावे, खच्चर में जावे, खच्चर मतलब घोड़ा बैठ के जाना, ऐसा नाम है। तो हम बाद में तब बड़े हुए तब पढ़े तब जाने कि उधर पालकी होता है।
जनजातियों में भी पालकी होता है, लेकिन वो पालकी ना देवी देवता के दर्शन के लिए नहीं होता, पूरे समाज जो है ना, पूरा समाज, गांव के समाज, हर काम निर्धारित कर दिया गया है। आप काम करेंगे जमीन खोदने का तो आप कुरकू हो, आ रहा है, आप नाई का काम करेंगे नाई है पाइक है रूढ़ीदार जो भी है, ऐसा सब फिक्स है। तो गांव में एक खड़िया जनजाति है, उस जनजाति का पहले काम यही है कि गांव में कोई बीमार हो तो खटिया को उल्टा करके या सीधा करके चार रस्सी बांधो डोली टाइप, दो इधर बांस घुसा दो लंबा वाला बांस, अब इधर दो अब इधर, पकड़ के पहुंचा दो जिला चिकित्सालय राजनांदगांव। आया? तो ये जो मरीज को, ये जो पेशेंट को खटिया में बैठा के जो जनजाति गांव से हॉस्पिटल तक पहुंचा रहे, ये वर्क को रियल में पालकी है, लेकिन इस जनजाति को खटिया में लाना ले जाने के कारण इनका नाम पड़ गया खटिया। आया? इनका एम्बुलेंस का नाम क्या है? खटिया, खटिया एम्बुलेंस 108, यानी कि खटिया जनजाति का एम्बुलेंस का नाम क्या है? खटिया। तो 108 है वही। तो आज जितना भी बस्तर या सरगुजम जो भी जगह अगर यदि कोई बीमार हो जाता है गांव में, तो उसको ले जाने का लाने का पेशेंट का जिम्मेदारी कौन करता है? आपका खड़िया। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, पालकी ढोने का कार्य करते हैं, अपने आप को कलारिन का वंशज मानते हैं। देख कलारियन समुनी बोला कलारी, तो ये पालकी ढोने का काम करता है। और आज जितना भी जनजाति जहां पे भी जाएंगे तो सब पेशेंट को लाना ले जाना कौन करेगा? आपका खड़िया। अब इसमें लिखा है अपने आप को कलारिन का वंशज मानते हैं, क्या आपका कलारिन? तो कलारिन ये जय बहादुर कलारिन दुर्ग वाला नहीं, इन जनजातियों में ही देवी माँ का नाम क्या है? कलारिन। इसी कलारिन से शायद आगे चल के कंकालीन माँ जैसा शब्द आया होगा, हम ऐसा बोलते हैं। तो कौन सा जनजाति है जो अपने आप को कलारिन का वंशज मानते हैं? तो कौन है आपका? तुम्हारा खड़िया। तो दो ही बातें हैं, पालकी तो जानी गए आप, पालकी मतलब क्या होता है? बीमार आदमी को एक स्थान से दूसरे स्थान लाना। और इनके पास रियल में कोई चीज ले जाने के लिए नहीं, एक तो बांस का बनाते हैं मैयत है, दूसरा एक खड़िया है जिसको सो सह हालत में पहुंचा ताकि पेशेंट ला तकलीफ ना हो, हल्का मऊहा देते रहो बीच बीच में। चले आगे 35 किलोमीटर सर, आप देखेंगे ना जनजातियों का 35-40 किलोमीटर पैदल चलते हैं सर, एक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं करा पा रही सरकार, अब क्या बोलती है? मंगल ग्रह जाएंगे। शर्म आता है तुम्हारी बातों पे। नेक्स्ट, हाँ मैं कहाँ पे उलझ गया? क्या है सर आपका? कंवर जनजाति। कंवर है क्या? कंवर है, यहाँ देखना कंवर मतलब हम कौरवों के वंशज, आ जाओ पांचों पांडव। आया? मतलब इमें चिल्लाट हैगा, मतलब मुकर बना स्पेशल तीर कमान के तीर रखा है, देखा पिए खाए का सामान धरे हैं सब, ये लोग कौरवों के वो कर रहे हैं क्या? आपका तुम्हारा नाच गाना, अरे वो है खरे जी कार्यक्रम के सीन है, वो रियल मिशन टाइप के कौरवों पांडव वाला झगड़ा नहीं होते, कृष्ण भगवान कहां है फिर? चले आगे आराम से। यह जनजाति जांजगीर चांपा की है, पीएससी ने क्या लिया? सरगुजा। तो हमने भी सरगुजा ले गया कंवर को, कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने आप को कौरवों के वंशज मानते हैं। किसका वंशज? कौरव। दो बताए स्पेशल, एक का नाम कमार एक का नाम कंवर, हमेशा प्रश्न में आता है कमार वाला वो भी स्पेशल जनजाति है, साथ में कंवर, ये दोनों अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? कौरव। कौरव कितने लोग थे? 100। क्लियर है? इसको हमारे छत्तीसगढ़ में सब जगह कंवर नहीं बोलते, कहीं जगह चंद्रवंशी बोलते हैं, कई जगह सिदार बोलते हैं, कई जगह क्या है कुरुवंशी, कुरुवंशी, कुरुवंशी भी बोलते हैं, चंद्रवंशी भी बोलते हैं, साथ में सिदार। हमारे तरफ तो हम लोग हंसी मजाक करते हैं सिदार कुकरिल बिदार, ऐसा रियल में वो लोग कंवर है। तो हर जगह जिला में पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग नाम से जाना जाते हैं, कई जगह चंद्रवंशी, कई जगह कुरुवंशी, कई जगह सिदार, और रियल में इनका नाम क्या है? कंवर है। और अपने आप को कौरव के वंशज के नाम से हम लोग जानते हैं। गांव में राम चबूतरा बनाते हैं, क्या बनाते हैं आपका? राम चबूतरा। ये अच्छा से ध्यान रखेगा, एक और जनजाति है जो आपका मुठुआ चबूतरा बनाती है, वो है भारिया। भारिया जनजाति क्या बनाती है आपका? मुठुआ चबूतरा। और ये जो है राम चबूतरा बनाती है गांव के अंदर गांव के बाहर, तो ये लोग भी अपने गांव के सुरक्षित के लिए राम चबूतरा बनाते हैं। लेकिन इसके घर में जो महिलाएं होते हैं ना, वो सीने में कृष्ण भगवान को गोधना गोधवाते हैं। ये देखो सीने में कृष्ण भगवान का गोधना गोधवाते हैं महिलाएं, जो कंवर जनजाति की होती है वो लोग, अक्सर उनके समाज में परंपरा है। तो ए पहलवान क्या हो रहा है? ओए इधर ध्यान दो, तुम लोग बातें बहुत करते हो सर, वो गोधनल दिखाना जी का हाथ है, बोल देखा समझ आ रहा है? मैं ऐसे ऐसे बेइज्जती करूंगा ना दोबारा, तो लोग डिस्टर्ब नहीं करोगे भाई? बाल भारी एकदम अजीब, एकदम मजा ले रहा है, आराम कर लो। ऐ इधर देखो, महिलाएं जो है आपका तुम्हारा सीने में क्या करती है आपका? कृष्ण भगवान चबूतरा भर रहा है राम का, और सीने में फोटो भर रहा है कृष्ण का। अब आप कैसे मारोगे एग्जाम में मुझे नहीं पता रे बाबा, राम कृष्ण दोनों सामने, राम भगवान का चबूतरा है और कृष्ण भगवान कहाँ आ गए? सीने। अभी पूरा जनजाति जब पढ़ोगे ना, गोदना पढ़ाऊंगा, तो कोई एम आकार बना रहा है, कोई मयूर बना रहा है, कोई बजरंगबली बना रहा है, अरे एक से कला, गोदना गोदवाना कुर्मिला के सुंदर शरीर बिगाड़ना है,
तो वही है स्वर्गम रास्ता मिली, और स्थल भयंकर खोजा थे गूगल वाले, चले आगे मिला तो नहीं है, वो गूगल वाले फैले अभी, क्लियर है आपका। तो राम चबूतरा गांव में बन गई और सीने में क्या बन गया, कृष्ण भगवान। इनके पैतृक समूह को गोटी बोलते हैं, इनके पैतृक समूह को क्या बोलते हैं, गोटी। हर जनजाति में एक समूह होता है, उस समूह जैसे अभी दल बताया उसमें तर तमूर आपका याद आ रहा है ना, डाडल अको मामा, वैसे देख ना सब में अलग अलग समूह गोटी दुनिया भर का रहता है, इनका पैतृक समूह को क्या बोलते हैं आपका, गोटी। और इनका जो धान का जो भंडार होता है उसको खोड़िया बोलते हैं, धान के भंडारण को क्या बोलते हैं, खोड़िया, इसको बोलते हैं आपका कोठी, क्या बोलते हैं आपका कोठी, हम लोग छत्तीसगढ़ी में कोठी बोलते हैं, ये लोग खोड़िया बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका खोड़िया। आगे मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा खोड़िया देव होता है, क्या होता है खोड़िया देव, और जो खोड़िया देव होता है ना घर में धान का रक्षा करता है, रियल में खोड़िया कोठी का नाम नहीं है, खोड़िया देव भगवान का नाम है, जो आपके संपत्ति का क्या करता है, रक्षा करता है। आप ही खुद सोचे ना सर, साल में एक बार हम कृषि करते हैं, साल में एक बार अपने कोठी को भरते हैं, और मसान वो धान को लेके गायब हो गया, तो मेरे से गलती हो गया सर, मसान नहीं मटिया, ये देख तुम जानते हो, या कानून नहीं माने करके तुम दबे बात करते हो, लेकिन जानते सब हैं, रियल में ना घर का संपत्ति कौन चोरी करता है, मसान नहीं, भूत नहीं, मटिया। मोला इसे बता है, मैं तभी पैदा हूं सर, मोला बता है मोल लोगन मना कि मटिया चोराते कथे, समझ आ रहा है। तो मटिया ला मारे बा जो देवता हमन बैठान ओला बोलते खोड़िया देव, तो इन लोग उस कोठी का ही नाम क्या रख दिए, खोड़िया। तो धान के भंडारण को एफसीआई गोदाम बोलते हैं करके मत मार देना, जहां धान का भंडार है उसको, धान का भंडार है उसको क्या बोलते हैं, खोड़िया देव। तो ध्यान रखेंगे आप, पैतृक समूह को गोटी बोलते हैं, के गोटी मारो के सना ना जाए। चले आगे, अच्छा लगता है वो गाना, चिरैया ला के गोटी मारा, बहुत आनंदमय गाना है, गाइएगा अभी कभी, मिथिलेश साहू जी का शायद है। तो मैं कहा बेटा ऐसे अंदर, ये तुम लोग हंस नहीं रहे हो, ये लड़की हंसो बता रहा हूँ मैं, अरे ये लोग हंसते नहीं है जी, ये लड़की लोग सपोर्ट नहीं करते, समझ आ रहा है, तुम्हारे बारे में ही बता रहा हूँ मैं, एक एक चीज सिखा रहा हूँ मैं इन लोग को, है सीने में क्या गोदना गोदाना है, कृष्ण भगवान। हाँ तो अब फालतू तुम्हारा टैटू बना के एकदम उपरान टाइप घूम दो, सही बता दो, अच्छा नहीं लगेगा। ये देख बीच में लड़की मत बैठा करो, किसी ने पड़ जाएगी ना दिक्कत हो जाए, 12-13 साल से कोई लड़की हाथ नहीं लगा, पीटा नहीं हूं मैं इसको, सब पड़ेचने वाला था एक रोज। हाँ जल्दी बताइए कहाँ बैठा मैं, खोड़िया। पैतृक समूह को बोलते हैं गोटी, और भंडारण को क्या बोलते हैं, खोड़िया, हो गया। इसके बाद एक लाइन और है क्या, हाँ वो, अरे बहुत अकन है, एक एक थन में दाल निकले, वो बहुत अकन है। ये जो जनजाति है ना, जनजाति पाइक का विशेष महत्व है, तो इसको, हाँ पाइक पाइक, अब इसको अंदर तक ले जाता हूं, पाइक नाइक बाइक छड़ीदार, पाइक नाइक बाइक छड़ीदार, आप ऐसा रटिएगा, मैंने पाइक को तुमको समझाने के लिए डाला है, पाइक नाइक बाइक छड़ीदार, पाइक नाइक बाइक छड़ीदार, पाइक नाइक बाइक छड़ीदार, सब चीज हम नहीं देंगे अवेलेबल, समझ आ रहा ना, हम पढ़ा रहे हैं तो यहां पे आपको लिखना है पाइक नाइक बाइक छड़ीदार, यानी कंवर जनजाति में पाई का नाई का बाइक का बाइक का छड़ीदार का विशेष महत्व होता है। तो इसमें अलग अलग जिला में कहीं पाइक कहीं नाई कहीं बाइक, मेरे राजनांदगांव में छड़ीदार, मेरे नांदगांव में कंवर समाज में क्या होता है, छड़ीदार, क्योंकि मैं 2-3 जगह गांव में गया हूं, समझ रहे हो नीटी कांटी कब जी। तो उस दौरान ना एक आदमी है जो मैं बता नहीं सकता सर, दुल्हा का ना वो दाई दादा है ना दुल्ही का दाई दादा है, वो एक गांव का कंवर समाज का आदमी, दाई दादा शादी घर वाले के दाई दादा ज्यादा जिम्मेदारी निभाते एक आदमी। मैं बोला ये का हो गए जी, मतलब इच्छा कर रहे सब, बोला अरे वो मोहल्ला बोले इसके नहीं खा बुला, हाँ ये मतलब बोले अरे हाँ अधिकन दार काम होते 3 काठा उड़ाल दे, हाँ ये चावल कम होते हाँ अधिकन उड़ाल, बड़ा कम हो गए हाँ छोटे कर दे। मतलब कंवर समाज में मैंने देखा है एक आदमी दौड़ दौड़ के जैसे ओकरे बेटी है वो। मैंने पूछा पहली बार यार, बोला ये कौन है यार, ये इतना काम क्यों करा रहा है इस शादी में, तो बोले हमारे समाज का छड़ीदार है। तो बोला छड़ीदार क्या होता है, अरे यही खाना बन वही यही गांव वाला खाना खाए बुलही, ये मेन बॉस है, सिर्फ घर वाले क्या देते हैं सामान सामग्री बस देते हैं, सारा घर में खिलाना, एक झन अगर छूट जाए बोलते गांव में तो छड़ीदार डंड होते बोलते,
तीन बार चार बार बुलाने आते, इसलिए मैं बोला हमन खाल नहीं जानता कर हज कार बुला लेते हैं, एकदम इम्पोर्टेंट आदमी है का कही। मतलब देख हम लोग दरअसल क्या है, बहुत दिन से अपना खाना पीना थोड़ा बंद हो गया, क्योंकि शुगर उगर पेशेंट है, तो समझो बीमारी की वजह से जी, तो हम लोग नहीं पहुंचते ना, तीन बार चार बार बुलाने आता है। मैं क्यों हमन अपन गाँव के एकदम वीआईपी आदमी होबो का, ऐसे मोल लगे पहली, फिर बाद में पता चली हमन नहीं जाबो, अगला वाला कोई छूट के कही तो दंड लगी के बुला ला, अपन दंड ला बचाए वो बुलाते बार बार, हम वीआईपी आदमी समझ गए, समझ आ रहा है। तो ये है छड़ीदार। तो सर मुझे बताइए आप, व्यापम पीएससी ने कभी छड़ीदार नहीं बोला, ना सरकारी ग्रंथ में छड़ीदार नहीं है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ आप बताइए। लेकिन आम बोलचाल के भाषा में पाइक नाइक बाइक छड़ीदार बोलते हैं, ये विशेष महत्व। आप तुम बोलोगे कौन सा पद सोपान करके, मैं कहा बताऊं दादा, शादी भी हम दौड़ दौड़ के काम करते बोलो, ओकर पद के नामे नहीं है सरकार के रिकॉर्ड में, लेकिन समाज उसको क्या बोलती है, पाइक नाइक बाइक और छड़ीदार। मुझे समझ आ रहा है कि तुम कमर को समझ गए, क्या है आपका, और कुछ दिख रहा है क्या, बीआर, नहीं नहीं बीआर बोलने से इंटरेस्ट पैदा नहीं होता, बीआर बोलने से किंगफिशर दिखता है, जुम्बा दिखता है, हुम्बा दिखता है। आ लड़के लोग देख रहे हो, अरे छिछोड़ा लोग, चले हो गया। तो कमर तक क्यों ऐसा कमर तक रोक रहा हूं, क्योंकि कल और भी जनजातियां, फिर लास्ट हो जाएगा, अगर मैं इसको खींच दूंगा तो 11 बज जाएगी, देखना है नजारा, देख ले यहां दे। तो कल इतना तक तो आएगा ना, तो आधा खींच दूंगा तो ये छोटा हो जाएगा, इससे बेटा है कल के लिए बचा देते, क्लियर है। अब एक मुद्दा खड़ा हुआ है, मेरे फोन करके बोले सर कमेंट को दिखाओ, मोबाइल खोल तो कौन रखा है मोबाइल, एक जने कोई फट ले यूट्यूब में जाए, मतलब ना जवाब देना बहुत जरूरी है सर, वो उसने ऐसा कहीं जाना है क्या, एक जाना है, बैठ जा नोनी, एक कम बैठ जा, मोर जिंदगी बन जाए तो बैठे। मैं मतलब उस कमेंट को मैंने पढ़ा, और वो कमेंट का जवाब बहुत जरूरी है, और वो आदमी देख रहा है मुझे अभी, तो उसको मैं डायरेक्ट लाइव जवाब देना चाहता हूँ, बताना चाहता। यूट्यूब में आया क्या, आया यूट्यूब वीडियो, पहला ही वीडियो एक ही तो डला है, पार्ट चार, सब्सक्राइब में जाने फिर फट से आएगा। कल वाला मैं देखूंगा, तुम यूट्यूब निकाल के दो, वो मेरे को मालूम है कहाँ क्या होता है, कमेंट पढ़ के सुनाऊंगा मैं। अब पार्ट फाइव आ गया, इतना एडवांस हो आप, हाँ अच्छा मैं लाइव बोल रहा हूँ अभी, हाँ ये कल वाला है, तो रुकना मेरे को यूट्यूब में, अच्छा ये लाइव शेयर है ना, मुझे देखना है चार नंबर वाला, आजा भैया आजा, चार नंबर पार्ट चार में है कमेंट, बोल मोबाइल चला नहीं आते नोनी, देख तो नोनी थोड़ा, दो मिनट लूंगा सर, दो मिनट, बहुत जरूरी हो गया वो कमेंट, बात कहीं जाना है नोनी, ठीक है नहीं जाऊंगा बेटा पे चले पार्ट चार, हाँ बस हो गया मिल गया, सब बंद करके रख, अगर फोन होना आज ही दिक्कत हो जी। ये ना पार्ट चार में एक बंदे ने कमेंट किया है, और जबरदस्त किया है वो, थैंक यू सर आपने मुझे मेरा आंख दिया, कमेंट को पढ़ के सुना रहा हूँ, सब लोग सुनिएगा ठीक है। सर मेरा एक सवाल है, हर हल चलाने के कारण जनजाति का, देखो आंख मेरी कितनी कमजोर हो गई है, जनजाति का नाम हलवा पड़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ी में तो नांगर बोलते हैं, हल नहीं तो हलवा का नाम थोड़ा अजीब सनी लग रहा है, मतलब ये कमेंट है, और इस कमेंट में जो किया है वो फर्जी आईडी वाला है, मतलब अपने आईडी से नहीं कर रहा है, मेरे अच्छे से मालूम है यहाँ दूसरे कोचिंग वाले लोग 8-10 फर्जी लेके रखे हैं मेरे को सिर्फ बदनाम करने के लिए, तो उसमें एक ये भी हो सकता है। तो सर मेरा एक सवाल है, हल चलाने के कारण जनजाति का नाम हलवा पड़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ी में तो नांगर बोलते हैं, उसको नगरिया बोलना चाहिए, लिख नहीं पाया है मैं बता रहा हूं, इसका कहना है कि नांगर चलाते हैं तो उसका नाम नगरिया होना चाहिए, हल से हलवा कैसे हो गया ये बोल रहा है। इस कमेंट को मैंने जब पढ़ा बताया बच्चा तो मुझे लगा यार एकदम नया बच्चा है ये, एकदम नया न्यू, वाकई में एकदम सही सोच रहा है, लेकिन ये एक नंबर का सातीर और कमीना आदमी है ये जो कमेंट कर रहा है। अब इसकी दूसरी कमेंट पढ़ता हूं मैं, हाँ इसमें लिखा है शादी पक्का कराने को महलिया बोलते हैं सर, महला गोत्र है, आ रहा है समझ में,
यानी तुम्हारा पहला कमेंट क्या बोल रहा है कि तुम हलवा कैसे नाम पड़ा, नांगर से नगरिया होना चाहिए, इतने सीधे साधे स्टूडेंट हो आप। और दूसरे में तुम प्रूफ करा रहे हो झुलेकर सर गधा, महला शादी पक्का कराना को नहीं गोत्र को बोलते, महलिया बोलते हैं शादी पक्का, इनका कहना है। इस कमेंट में वो मुझसे जानकारी हासिल नहीं कर रहा है, वो प्रूफ करा रहा है बच्चों को कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो गलत है। आई एम राइट, इसलिए इसको यहां बताना जरूरी। समझ आ रहा है सर? अब इसका दोनों का जवाब देता हूं मैं। इसको थोड़ा बंद करेंगे क्या? हाँ, देखिएगा, हलवा है ना, हलवा बहुत पीछे है, थोड़ा बताइएगा। भतरा आ गया। देखो आप इसमें, इस पे प्रश्न करें, शादी पक्का कराना को महला बोलते हैं, जबकि वो बोल रहा है सर महला नहीं होता, महलिया ऐसा कुछ नाम बताया है, उसका भी बताऊंगा। इसका कहना है कि महला गोत्र होता है, ठीक है। मिस्टर फर्जी आईडी वाले भैया, आपने कल कमेंट किया है, मैं 7 दिन नहीं पहले से अपने बुक में लिख दिया हूं कि महला गोत्र होता है, लिख दिया हूं। नया बुक कहां है बताओ, कौन रखा इसमें से नया बुक? कोई नहीं है, कोई नया बुक नहीं लिया हो जी, और लिए हो तो लाया नहीं हो। एक जने लाटो भैया बुक जाता हूं उठा गला नया बुक, यहां खोलने में टाइम लगेगा ना सर, मेरे पृष्ठ नहीं पता है ना अभी, मैं बाद में पृष्ठ ही बता रहा हूं, दौड़ के लाना जी। हमने ऑलरेडी महला को गोत्र में लिख रखा है, और मुझे भी पता है महला क्या होता है, हलवा जनजाति का गोत्र। इसको पूरा प्रमाणित बताना है कि आदमी कर क्या रहा है। ऐसा ना बहुत पहले कर चुके हैं सर, मैं इसमें भुक्तभोगी आदमी हूं, पहले इसको प्रूफ करना है कि ये महलिया क्या बोला, महलिया बोला क्या, हाँ उसको बताना है कि उसको प्रमाणित करना है कि हम लोग जानते हैं कि नहीं। अब ये कौन है, ये कमेंट करता है ऐसा दिग्भ्रमित वाला काम? देखिए इसमें ना एक पीछे तरफ होगा उपजाति, 300 पृष्ठ तक आगे है, मेरे कितना बस याद है थोड़ा सा, 300 पृष्ठ तक आगे उपजाति वगैरह को डाला हूं। ये बहुत मोटा हो गया सर, ये खुलता नहीं जल्दी। आ गया 3575 375 में आ रहा है, नहीं 35 नहीं, गोत्र वाला अलग है, तुम लोग नहीं जानते अभी इसको, मेरा बुक अभी मेरे को मालूम। अरे इतना, ये देखो ये पूरा गोत्र वाला बेल्ट है, इसमें लिखा हुआ है जाति, ये उपजाति, अब ये पूरा गोत्र। भारी मेहनत की है हम लोग, 8-10 टीम बन के तैयार किए हैं इसको, ठीक है। इस ऑलरेडी हलवा जनजाति में महला लिखा हुआ है, महिलवास और महला देख लो आप, पहले से लिखा हुआ है। समझ आ रहा है? मतलब हम भी जानते हैं इसको, महला मतलब क्या होता है, गोत्र। इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब मैं इस आदमी के बारे में बताता हूँ, ठीक है, ये बुक रखिएगा अभी, ठीक है जी। हाँ वो देखो आप बता रहे हैं, अब वो आदमी प्रूफ करा रहा है कि नगरिया होना चाहिए, हाल नहीं होना चाहिए। अच्छा हाँ ऐसा हुआ, हाँ मैं कहाँ पे था जल्दी बताइए, नगरिया होना चाहिए। अब जो नया बच्चा होगा ना, मेरा वीडियो देख रहा होगा, वो बिल्कुल उसको लगेगा, अरे यार सही में यार ये गधा हुई का मास्टर उल्टा पढ़ाते हैं। दरअसल जो कमेंट किया है ना, उसको ये भी पता है, तुम अभी नदान बन के कमेंट कर दिए एक नगरिया होना चाहिए, हलवा कैसे हुआ, और उसके बाद तुम मुझे बता रहे हो महला गोत्र है, शादी पक्का कराना को महलिया बोलते, मैंने सुना है गांव में उसको मायार बोलते, तुमने सुना होगा महलिया बोलता होगा, व्यापम पीएससी तो महला ले रहा है, क्या पता हलवा जनजाति में एक गोत्र को नियुक्त किया गया होगा, महला जनजाति ही, महला गोत्र वाले क्या करेगा, शादी फिक्स करवाएगा। मैं तो बताया ना अभी, गांव में छड़ीदार बोलते हैं, पाइक बोलते हैं, माइक बोलते हैं, उसने आंसर पाइक लिया तो मैं पाइक लिखा, मैंने छड़ीदार लिखा गया अभी कमर में, वो बोलचाल की भाषा, व्यापम में कहीं पे लिखा है, सरकारी जनजाति बुक में लिखा है छड़ीदार होता है, नहीं लिखा है, हम गांव में सुने हैं तब बता रहे हैं आपको, तो सुनने वाली चीज एग्जाम में नहीं आती, जो एग्जाम में आ चुका है। दरअसल 2008 से लेकर 11 के बीच पीएससी पोस्ट नहीं आया, तो हम एमपीपीएससी तैयारी कर रहे थे, 6 महीना बस किए हम मध्य प्रदेश के जाए उसको पढ़े हम जीएस को, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ का पीएससी आ रहा है, बोले तो हम दिग्भ्रमित हो गए, मिसगाइड हो गए, दोठन में कैसे पांव रखन, तो हम पीवर छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ निकालें करके हम 6 महीने में छोड़ दिए जी एमपीपीएससी को, तो उस दौरान हमने एमपी वाला पढ़ा है, तो ये सब पढ़ा हुआ उस समय हमारा आ रहा है। अब पॉइंट पे आते हैं, हलवा से नगरिया से हलवा कैसे नाम पड़ा, कैसे साथी रहे ये कमेंट करने वाला आदमी, ये कोचिंग वाला होगा, मैं आपको बता रहा हूं। हलवा तो पहली बात नाम ही नहीं है जनजाति का किसी का, समझ आ रहा है सर, ये सब कौन है, गोंड है, ये सब गोंड है। अब कैसे हुआ हलवा, 1931 में पहली बार जातिगत जनगणना हुआ, 1931 अंग्रेज के जमाने में, जब उस समय जब ये हुआ जनगणना तो एमपी में थे हम लोग, तो एमपी में बीएस गुहा को जनजाति सर्वे का अधिकार दिया गया, तो बीएस गुहा पूरा इंडिया में घूमेगा क्या, नहीं, एक अध्यक्ष है जी, उनके हजारों कर्मचारी,
तो उन्होंने एमपी में अपने कर्मचारी को भेजा और पता करो, जनजाति का सर्वे करो। एक कर्मचारी गया नागालैंड, तुम बोले कौन सा पहाड़ी में रहते हो, जयंतिया, तो तुम जयंतिया जनजाति। तुम गारो में रहते हो, गारो रियल में गारो खासी जयंतिया पर्वत का नाम है, जनजाति का नहीं है। वैसी टाइप का मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति है। गोंड जनजाति में जब ये सर्वे करने वाला आया तो उसने पूछा तुम कौन हो, तो बोले हम तो नागर चला था, हम नागर जोटैया। कौन बोल रहा है, हलवा जनजाति, नागर जोटैया हम, तुमन गोड़ों का नहीं है, हमार तो देवता अलग है, हमार तो धी डोंगर अलग, हमार बेटी रोटी चले। तो भाई तुम तो गोड़ के ही प्रजाति हो, नोहन अमन गोड़, हमन नगरिया, हमार मन के अलग ग्रुप है, हमार नागरी जोटे काम करता। तो आप बताओ, वो अधिकारी जब बीएस गुहा को फोन लगाएगा तो बोलेगा जी यहाँ पे गोड़ से एक प्रजाति बन गई है, छोटा सा वो नागर जोतने का काम करते हैं, तो इनका नाम मैं नगरिया रख दूं, बोलेगा। अब बड़े अधिकारी साथ हिंदी में बात करेगा वो, समझ आ रहा है, क्योंकि इसका नामकरण दिल्ली से हुआ है, मध्य प्रदेश से हुआ है, तेरे छत्तीसगढ़ से नांगर से नहीं हुआ है। तो बीएस गुहा ने कहा क्या चलाते हैं, बीएस गुहा, सही बात है सर। अरे भैया पढ़ लिए हैं, औकात है तब 12-14 साल से कोचिंग चला रहे हैं, अगर अनपढ़ होते तो नहीं चलाते, हजारों काम है मेरे पास, समझ आ रहा है सर। ये कमेंट करने वाले को बताना बहुत जरूरी। तो 1931 में वो आया और आने के बाद बोला आप लोग नांगर चलाते हो, ठीक है। तो उसने फोन में बोला सर ये लोग नांगर को, हल को नांगर बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, तो हल चलाते हैं सर ये लोग, तो इनका नाम क्या करूं, तो हलवा कर दे साले को, ये ले। तो बी एस गुहा ने गोंड़ जनजाति का एक नांगर चलाने वाले समाज का नाम हिंदी हल के नाम से हलवा नाम रखा। 1931 के पहले कोई नहीं जानता था ये हलवा है कि कौन है, ये सब कौन थे, गोंड़ थे। और उसी गोंड़ का क्या बन गया आपका, एक 40 प्रजाति टोटल कितनी हो गई, 42। हम एमपी के हैं, छत्तीसगढ़ के नहीं। ये बात ये कमेंट करने वाला जानता है, ये आदमी फर्जी आईडी कर रहा है सर, उसके औकात है अपने खुद का आईडी फोटो लगा करे वो, समझ आ रहा है। ये हो गई पहला, आगे क्लियर। यानी 1931 के बाद हिंदी नाम से हलवा पड़ा है, जबकि हम सब क्या बोलते हैं, नागर। महू गांव से पैदा हो कहा सर, महू जानता हूं, नागर काला कथे आया, समझ में। तो जनगणना होता है ना, तेरे गांव का इतिहास लिखा नहीं जाएगा, दिल्ली से जनगणना अधिकारी आएंगे तेरे घर में, तेरे घर से दिल्ली नहीं जाएगा रिपोर्ट लिखने, मोर घर में इतना कन सूरा है, अधिकन कुकरी है, अधिकन मोर डेकी लेका है, कहीं वो टेबलेट दिल्ली सरकार भेजेगा, तू नहीं बनाएगा टेबलेट को। जनगणना अधिकार जब रजिस्टर रहते हो तो गांव नहीं छपे, वो दिल्ली में छप के आ रहे थे, कालामला अधिकारी भरी ते नहीं भरा, ते सिर्फ डाटा बस दे मुरकेजन डौकी तेरा आया बात। ये हो गई पहला वाला, इसका नांगर वाला पोस्ट मारा। अब वो महला वाला देख लीजिए आप, महला वाला कमेंट करने का मतलब तू बहुत ज्ञानी है, तेरे सब नॉलेज है, तो क्यों ऐसा उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहा है, इसका मतलब वो प्रमाण कर रहा है बच्चे लोग मत पढ़ो जुलेकर सर के पास, वो गधा है, वो नांगर को हल बता रहा है, वो महला को क्या बता रहा है आप, महलिया को क्या बता रहा है, महला। अरे मेरे भाई गांव में हलबी भाषा चलता है, कुड़ुक भाषा चलता है, गुंडी भाषा चलता है, तेलुगु भाषा चलते है, सब अलग अलग बोला थे सर, व्यापा महला ले रहा है, महला बता रहा हूँ, कल छड़ीदार बोलेगा छड़ीदार पढ़ाऊंगा, कल पाइक बोलेगा पाइक, नाइक बोलेगा नाइक, बाइक बोलेगा तो माइक, मेरे क्या है सर। अरे समझ में, तो ये काम ना पहले भी होता था सर, लास्ट पहले भी होता था सर, मैं जब कोचिंग खोला था ना तो दूसरे कोचिंग वाले ने मेरे कोचिंग बंद होकर 50,000 दिया था, 2 दिन में मैंने कोचिंग बदला था सर, इतना अत्याचार किए मेरे कोचिंग मत खुले करके। और जब कोचिंग खुल गए धीरे धीरे चलने लगा तो वो स्टूडेंट लोग आ गए, उस कोचिंग वाले आने के बाद मेरे कितना प्रश्न करते थे मैं आपको बता, आप तो कोई नहीं बोलता मेरे साथ, मैं पढ़ाता था मध्य इतिहास तो वो मुझे प्राचीन पूछेगा, मैं छत्तीसगढ़ का इतिहास बोलता था तो भारत का इतिहास पूछता था, मैं संविधान पढ़ाता था तो अर्थशास्त्र पूछते थे, परेशान कर देते थे बीच बीच में उठ उठ के प्रश्न करना, वैसे उठने में नहीं करता बैठे बैठे प्रश्न, आजू बाजू वाले लड़का लड़की लोग परेशान, तो प्रश्न पूछना ऑफिस में कुछ बैसला थोड़ा पढ़ा दे चैन से, ऐसा 2-3 महीने तक मेरे परेशान किए शुरू में, फिर मैं उनको प्यार से, नाराज नहीं हुआ, प्यार से जवाब देता था, क्योंकि तुम लोग जिस जगह से पढ़ के आओ ना, 2 महीने में जीएस पढ़ाता है, मैं बिलासपुर से 1 साल का जीएस पढ़ के आया हूँ, 12 से 18 घंटा मेहनत करके आया हूँ, सबको 2-3 महीने तक मैंने उनको जवाब दिया, नाराज नहीं हुआ। 2-3 महीने बाद ऐसा बदलाव आया, वो लोग ऐसा जबरा जबरा मेरे फैन हुए कि इतिहास रचे, वो लोग इतना प्रचार किए झुलेकर सर जैसा कोई नहीं है। मालूम है मैं कहाँ तक पहुंचा, सबसे भव्य शादी, गांव का घर, 12 लाख का टवेरा, 18 लाख का एक्सीवी, 1.5 करोड़ का घर, यहां तक पहुंचा है। आज तक मैं एक चपरासी गार्ड ड्यूटी करने वाला, 1100 रुपया नौकरी करने वाले को करोड़पति बनते नहीं देखा, वो मैं हूं अकेला। आप लोग देखे कभी चौकीदारी करने वाले करोड़पति तक जाते तक, इस हाथों ने 1.5 करोड़ फीस लिया है, समझ आ रहा है सर। ये प्रचार इन्होंने किया, इतना परेशान। अब अभी क्या हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है मालूम है, इसका होने का कारण क्या है, मैं लाइव क्लास आ रहा हूँ ऑनलाइन, ये लोग फर्जी आईडी बना के रखे, कोचिंग इसका मत चले, मिस गया, जितना भी निगेटिविटी आ रहा है ना वो सब इन्हीं लोगों का देन। तो भैया तुम लोग भी जब बिलासपुर गए थे 10 साल तक अपने ऐसे तैसे कराए, पल्सर के पीछे टूरिस्ट बैठा घुमाए हो तुम लोग, है, और यहाँ के यहाँ, हाँ, और वहां से आए सर, मैं बता रहा हूँ ना, मैं इनको देखा हूँ ना,
वो लोग यहाँ आया, मेरा कोचिंग चला, मेरे पास गाड़ी मोटर सब होने लगा, इनके डायरेक्टर लोग क्या बोले, कैसे रे रोगा, तो पूरा खानदान नौकरी में ना दूसरे कोचिंग वाले का, पूरे घर में नौकरी भर है, कैसे तोला 10 साल थे कोचिंग करे, तो एक ठन नौकरी नहीं लगी, आधे नान चू गाड़ रिस का थे हाथ गाड़ी मोटर वाले हो गए, तो वो मेरे को देख के कोचिंग खोल लिया, आप 4 जन लेकर नहीं जाते, मैं क्या करूं, घुमा टूरी थे बिलासपुर में साले, हमको देख दिन रात मेहनत किए, एक बार पढ़े दूसरा बार पढ़ा रहे, 12 साल से पढ़ा रहे, तुम 4-5 टीचर मिलकर नहीं संभाल पा रहे अपने कोचिंग, मैं क्या करूं, तो तुम लोग निगेटिव कमेंट करने के लिए कुछ नहीं होने वाला है, समझ आ रहा है, नहीं देख उसके बात को देख लीजिए आप, नागरिया कैसे नहीं होते कहते जैसे अनपढ़ है, और मोला बताते महला क्या होता है, गोत्र मतलब ते अनपढ़ नहीं है, ते स्टूडेंट नो हस, ते महला बोला था गोत्र अरे मतलब ते बहुत माइंडेड है, स्टूडेंट होता तो बोलते सर मैं तो सुना हूं कि महला गोत्र होता है, ऐसा कमेंट होता है, क्या बोल रहा है, महलिया होता है शादी फिक्स कराने वाला, मैं तोड़ शादी फिक्स करने वाला मैं हूं, समझ आ रहा है, ठीक है, आप लाइव को बंद कर दे, क्यों बंद करवा रहे हैं, कल कैसे